हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक मोई फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भीमा तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भीमा फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2024 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया है और ये फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग भीवा फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूरोप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं भीमा फ़िल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज़ हुई भारतीय तेलुगु भाषा की काल्पनिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे ए हर्ष सर ने लिखा है जिसे ए हर्ष सर द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म में गोपी चंद ने दोहरी भूमिका निभाई है उनके साथ फिल्म में प्रिय भवानी शंकर और मालविका शर्मा ने अभिनय किया है अब इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो ए हर्षा सर द्वारा फिल्म को डायरेक्शन दिया गया है और पदकथा भी ए हर्षा द्वारा ही लिखा गया है फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म को श्री सत्य साई आर्ट द्वारा फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 8 मार्च 2024 को फिल्म को रिलीज किया गया था तेलुगु भाषा में वही दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई है इसी इस साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को आठ मार्च दो को बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज़ किया गया था और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस करेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ ये फिल्म एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप मूवी साबित हुआ है वहीं दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस फिल्म की कहानी एस आई भीमा को कर्नाटक के महेंद्र गिरी नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है शुरुआत में जहाँ पे गंगेश रो का नियंत्रण है भीमा की मुलाकात विद्या से फिल्मी होती है जो एक स्कूल शिक्षिका है और आयुर्वेदिक चिकित्सक रवि वर्मा की अनुयायी है एक रात भीमा को छोटे बच्चों के अवैध परिवहन में लगे एक टैंकर का पता चलता है फिल्म में जहां पर उसे पता चलता है कि रविंदर वर्मा संजीवनी का अविष्कार करने के लिए अवैध प्रयोग कर रहा है जो एक हर्षल पौधा है जो कि एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकता है भीमा यहां पे रविंदर वर्मा के ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे रविंद्र वर्मा विद्या और फिर बच्चों को यहाँ पे बंधक बना लेता है रविंद्र वर्मा मौके का फायदा उठाता है और भीमा विद्या और फिर बच्चों को मार देता है भीमा का जुड़वा भाई रामा जो कि एक मंदिर का पुजारी बन चुका है वो भीमा की मौत के बारे में सब कुछ जान जाता है फिल्म के अंदर तो इस फिल्म की कहानी इससे भी आधारित है वहीं इस फिल्म के विकास के बारे में हम बात कर ले तो भीमा की आधिकारिक घोषणा बारह जून 2023 को गोपी चंद के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्रियों के रूप में घोषित किया गया था इस फिल्म की संगीत के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर रवि बसरू द्वारा तैयार किया गया है और पहला एकल येद्दो येद्धो माया नौ फरवरी दो नौ फरवरी को 2023 में रिलीज कर दिया गया था और दूसरा एक कल गालिश सेंदुरू इक्कीस फरवरी को रिलीज किया गया था और इसके बाद सेवन मार्च को फिल्म का तीसरा एक कल रेज ऑफ भीमा रिलीज किया गया था और सभी संगीत को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के बारे में साथ ही साथ दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी है क्या ये फ़िल्म हिट होना चाहिए या फिर फ्लॉप होना चाहिए इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे अगर आप लोगों ने भीवा फ़िल्म को अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों इस इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं तो अगर आप लोग भीवा फ़िल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसीक्षा दोस्तों सलागा के बाद विजय कुमार द्वारा निर्देशित की गई फीमा बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए लिखी गई है और उन्होंने शुरू से ही इस बारे में स्पष्ट किया है कि ये फिल्म उनके और उनके प्रशंसकों के लिए उनके द्वारा लिखी गई है इसलिए कोई भी प्रशंसक सेवा की बहुत उम्मीद कर सकता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास किया गया है कि एक व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म के सभी बॉक्स टीक किए जाए वही दोस्तों पहला भाग एक दिलचस्प दृष्टिकोण और बहुत सारे संबंधित चुटकुलों के साथ अच्छी तरह से शुरू होता है हालांकि दूसरे भाग में किसी भी तरह के प्रयोग के लिए कोई भी जगह नहीं होने के कारण एक सूत्रबद्ध दृष्टिकोण के कारण लड़खड़ा जाता है कहानी वहीं आपको बता दें ये कहानी कागज़ पर आपको देखने में अच्छी लगेगी यहाँ पे एक यंगेस्टर को जो एक मैकेनिक की दुकान चलाते हुए दिखाया जाता है वो अपने प्रतिद्वंदियों के कारण हुए व्यक्तिगत नुकसान के नुकसान के बाद उत्पाद मचाता है अपने इलाके के युवाओं के नशों की लत में पड़ने से परेशान भीमा विजय कुमार यानी कि एक गैंगस्टर है जो कि एक मैकेनिक की दुकान चला रहे हैं जहाँ पे ड्रग्स के खिलाफ यूथ छेड़ते हैं भीमा खलायको ड्रैगन मंजू और फिर शांति कंकरोचे सूदी को सबक सिखाने का बड़ा सबक सिखाने का बेरा उठाते हैं और और वहीं पे सलाह के बाद विजय कुमार द्वारा निर्देशित की गई है भीमा बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए लिखी गई फिल्म है और वो शुरू से ही इसके बारे में स्पष्ट रहे हैं कि फिल्म उनके और उनके प्रशंसकों के लिए उनके द्वारा लिखी गई है इसलिए कोई भी प्रशंसक सेवा की उम्मीद कर सकता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास करता है कि वह एक व्यावसायिक मनोरंजन के सभी बॉक्स को टिक किए जाए जो कि पहला भाग एक दिलचस्प दृष्टिकोण और बहुत सारे भरोसेमंद चुटकुलुस के साथ शुरू होता है इसी के साथ दोस्तों गिरिजा के रूप में प्रिया यानी कि सतमर्षा उनके अलावा अद्भुत है और वह दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत से काम करती है वह संवादों को शानदार ढंग से बोलती भी है जिससे वह इस फिल्म की असली हीरो बन जाती है उनकी भूमिका हालांकि अच्छी तरह से लिखी गई थी लेकिन अधिक स्क्रीन स्पेस की हकदार थी क्योंकि भीवा एक कमर्शियल स्टार पावर वाली फिल्म है जहाँ पे गिरजा जो, जो कि अच्छी तरह से शुरू होती है और फिल्म में अन्य पात्रों में से एक बन जाती है इसी के साथ दोस्तों उसके चरित्र पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करने से फिल्म की फिल्म की दिशा बदल सकती थी जो कि दोस्तों रंग्यान रघु कल्याण राजू अच्युत कुमार अश्विनी अम्बरीश ड्रॉस के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए भीमा के संघर्ष में उनकी सहायता करते हुए नजर आते हैं रेगन मंजू उनके अलावा कॉकरोच सुधी रघु के साथ मिलकर शिव मोगो के साथ बुरे लड़कों की भूमिका निभाती है विजय ने बेंगलुरु की गलियों से बहुत सारी स्थानीय प्रतिभाव पर्ट, का उपयोग किया है फिल्में जो कि एक स्वागत योग्य है अगर कोई एक के यहाँ पे उद्योग है जो कि यहाँ पे अंदर वर्ल्ड यानी कि कहानियों की श्रेणी में फिल्मों का निर्माण कर रहा है तो वह एक यहाँ पे के एफ आई है जो कि उन्नीस में आया था उन्नीस सौ ओम से लेकर न्यूनतम भी न्यूनतम भीमा तक ये फिल्में अलग अलग थीम के साथ समान कहानियों को लेकर आती रही है फीमा ने इस बुनियादी का ईमानदारी से इस्तेमाल किया है और शहर के युवाओं की कहानी उनके नशे की लत और फिर सप्लाई के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाया है जो कि अपराध युग की सेवा करने और उन्हें बचाने वाली राजनीतियों को बया किया है वही दोस्तों स्टार यानी कि वहीकल ट्रीटमेंट के साथ फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण फिल्म को और भी बेहतर बना सकता है लेकिन आपको बताते चले इसके अलावा भीमा ने प्रशंसकों की खूब सेवा की है और दर्शकों और प्रशंसकों के एक वर्ग को बहुत कुछ दिया है इससे वह खुश हो सके और सिनेमाघरों में जाने का कारण बन सके संपादन बेहतर हो सकता था और भी ज़्यादा लेकिन विजय ने अपने निर्देशन में एक ऐसी फिल्म बनाई है जो फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके आसानी से चलती हुई नजर आती है फिल्म का संवाद और चुटकुले अच्छे हैं लेकिन वह दर्शकों के लिए एक वर्ग को ही आकर्षित करता है इसी के साथ युवाओं के एक वर्ग के लिए, लिए लिखी गई ये फिल्म उनकी सभी जो है जरूरतों को पूरा करती है भीमा की सबसे बड़ी ताकत चरण राज का यहाँ पे संगीत है जो पहले आधे घंटे में तीन बैक टू बैक यहाँ पे रैप गाने लगाए गए हैं म्यूजिकल के बारे में हम बात करें तो म्यूजिकल फिल्म की तरह ही लगता है हालांकि फिल्म यहाँ पे विशेष रूप से रैप संगीत का जश्न नहीं मनाती है लेकिन एम सी विजू और राहुल डिटो ने सुनिश्चित किया है कि पूरा एल्बम उनकी पेशकश की हर चीज़ों को शामिल करती है शामिल करने का बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लाइमेक्स सीन के दौरान चरम पर होता है लेकिन आपको बता दें लोक गीतों और पारंपरिक गीतों का मिश्रण एक अनूठी भावनाओं को जगाता भी है जिसे पूरी फिल्म में जिसे पूरी फिल्म में दिखाया गया है हालांकि यहाँ पे टुकड़ों में साथ ही प्रशंसकों और क्लाइमेक्स में दुनिया विजय सिनेमेटिक की यूनिवर्स यु, यु, की ट्विस्ट के लिए तैयार किया गया है भीमा दुनिया विजय की बेंगलुरु के अंदर वैली और फिल्मों की एक शैली के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में ये फिल्म काम करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है तो भीमा फिल्म की जो कहानी है ये दर्शकों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है गोपी चंद ने फिल्म में शानदार ने किया अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया फिर भी इनकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा काम की नहीं हुई है फिल्म की कहानी कागज़ पर देखने में अच्छा लगता है लेकिन सिनेमाघर में उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था इस फिल्म को लेकिन आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में और फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में दोस्तों आपको पता है मैं जब रिव्यू करता हूँ तो पूरी फिल्म को एनालिसिस ज़रूर करता हूँ इस फिल्म की कहानी जो कि मैंने आप लोग को बता ही दिया है प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो हाल के दिनों में इस भीमा को गोपी चंद द्वारा निभाया गया सबसे बड़ा किरदार माना जा सकता है निर्देशक ने फिल्म को एक अलग अनुभव देने के लिए भीमा की भूमिका में कुछ विशेषताएँ जोड़ी है और गोपी चंद ने आशाधारक रूप से चंचल पुलिस वाले की भूमिका निभाई है वही अभिनेता हाल ही में कभी इतने ऊर्जावान नहीं दिखे और उनका दमदार उनका मर्दाना रूप और मर्दाना अवतार लोगों को दीवाना बना देगा उनकी भूमिका का एक और आयाम यह है कि यह गोपी चंद ने इसमें भी अच्छी विविधता दिखाई है फिल्म की शुरुआत एक दिलचस्प नोट पर शुरू होती है जिसमें पर जिसमें दिखाया जाता है कि परशुरामी क्षेत्रम की यहाँ पे उत्पेदों के बारे में बताने वाला ओवर होता है और ये शुरुआती दृश्य है जो कि लगभग पंद्रह मिनट तक चलता रहता है वही दोस्तों हमारा ध्यान आकर्षित करेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरवल एपिसोड दाव बढ़ाता चला जाता है और हमें दूसरे भाग का से इंतजार करवाता है प्री क्लाइमेक्स के दौरान मालविका शर्मा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और अभिनेत्री ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन भी किया है दोस्तों बता दें नरेश मुकेश तिवारी उनके अलावा रघु बाबू और यहाँ पे छमक चंद्रा अपनी भूमिकाओं में काफ़ी शानदार दिखे हैं इस फिल्म के अंदर फिल्म आखिरी आधे घंटे में अपने चरम पर पहुंच जाती है यहां भावनाओं को दमदार संवादों के साथ अहम और और यहाँ पे वीरता के दृश्यों को बड़े करीने से पेश किया गया है और इसी वजह से ये गहन और फिर टकराव बहुत बढ़िया लगता है देखने में लेकिन किशोर और रोहिणी से जुड़े कुछ कॉमेडी पल अच्छे से भर सकते हैं फिल्म में जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस शानदार तरीके से बनाए गए हैं रवि बसरूर का प्रभावशाली बैकग्राउंड स्कोर हाई वोल्टेज रेंगटे हुए खर यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाला दिवसों को अगले स्तर तक लेकर जा सकता है इसी के साथ अब बात करें फिल्म की माइनस अंक के बारे में तो दोस्तों बता दें कि अच्छे परीक्षात्मक एपिसोड के बाद जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है धीरे धीरे अपनी पकड़ को खोती हुई जाती है प्रेम ट्रैक शुरू होने के बाद फिल्म एक बाद पर पहुंच जाती है और यह समझ में आता है कि निर्माता ने फिल्म को बड़े पैमाने पर दर्शकों को ध्यान में रखते हुए बनाया है लेकिन जिस तरह से पूरे प्रेम वाले हिस्सों को डिजाइन किया गया है वह अश्लील है और दर्शकों के कुछ वर्गों के लिए असहज होगा पहला भाग पूरी तरह से बीमा के चरित्र चित्रण के लिए समर्पित है लेकिन समस्या यह है कि प्रेम प्रसंग के कारण स्क्रीन पर बहुत अधिक समय व्यतीत बिताया जाता है फिल्म में मुख्य बिंदु को बेहतर तरीके से उजागर किया जा सकता था इसे आधे रास्ते में ही लाया गया है क्योंकि यहाँ दूसरे मुख्य किरदार जिस पर पूरा दूसरा भाग आधारित है उनको अधिक स्थान दिया जाना चाहिए था इस फिल्म के अंदर लेकिन ऐसा नहीं किया गया है शनवाद फिल्म का रोमांटिक दृश्य और खूनी दृश्य फिल्म की अपील को व्यापक दर्शकों तक सीमित कर सकता है आगे पीछे की शैली की पथकथा एक अत्याधिक उपयोग कई बार जो भ्रम पैदा करेगा क्योंकि बता दें कि समस्या सीमा का पालन करना मुश्किल हो सकता है जो कि प्रिया भवानी शंकर ने अच्छा काम तो किया है लेकिन उनकी भूमिका में गहराई की बहुत ज़्यादा कमी है इसी के साथ दोस्तों अब बात करें फिल्म के तकनीकी पहलू के बारे में तो इन दिनों ज़्यादातर फिल्मों में शानदार दृश्य होते ही है और दोस्तों बीमा भी इससे अलग नहीं है क्योंकि स्वामी जे गौड़ा की स्नेमोटोग्राफी बेहतरीन है और ख़ास तौर पर रात के दृश्यों को उनके लेंस के जरिए अच्छी तरह से दिखाया गया है प्रोडक्शन वैल्यू बेहतरीन है गाने अच्छे हैं लेकिन रवि बसुर का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है इस तरह की मास फिल्मों में अच्छे एक्शन सीन होने चाहिए जरूर निर्देशक ए हर्षा ने इस मास एक्शन ड्रामा में एक फंटासी तत्वों को शामिल किया है जो कि सामूहिक दृश्य और चरमोत्कर्ष भाग को बड़े करीने से प्रस्तुत किया गया है उन्होंने गोपी चंद को भी ठीक तरीके से दिखाया है लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्रेम ट्रैक लिखा गया है वह निराशाजनक है ये फिल्म सबसे बड़ी कमी है और ये कुछ हद तक जो है प्रभाव को बाधित कर देगी जैसा कि पहले कहा गया था और आगे पीछे की बात था कई बार भ्रमित करने वाली है इस मूवी की कुल मिलाकर भीमा एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें दोनों हिस्सों में कुछ अच्छे बल है गोपी फिल्म में अति सक्रिय है और उन्होंने एक गहन प्रदर्शन दिया है शुरुआत में शुरुआती अंतराल और यहाँ पे आखिरी आधे घंटों को अच्छी तरह से संभाला गया है लेकिन बाकी हिस्सों को बेहतर निष्पादित भी किया गया है आवश्यकता ये थी कि बोरिंग लव ट्रैक एक ऐसा पहलू है जो कि फिल्म को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर सकता है मुख्य बिंदु को और अधिक हाईलाइट किया जाना चाहिए था और फिल्म की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है और ये अन्य जो है वर्गों की तुलना में बड़े पैमाने पर दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी करता है ये फिल्म तो इस तरह का रिव्यू आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है कहानी भी शानदार रही थी भीमा जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी फिल्म मानी जा रही थी रिलीज होने से पहले लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया यही सबसे बड़ी कमी है इस फिल्म की इसी के साथ दोस्तों जैसे कि फिल्म के बारे में आगे भी कहा गया था कि फिल्म की कहानी दिलचस्प होने वाली थी भीमा की लेकिन कुछ हद तक ये फिल्म थोड़ा सा निराशाजनक साबित हुआ तो बॉक्स ऑफिस पे फिल्म की शुरुआत बेंगलुरु के दिल जैसी रोड इलाके में होती है ये मैकेनिक यानी कि रमन्ना अच्युत कुमार और उसके अनैतिक सहायक जम्बा के मंजा ब्लैक ड्रैगन के मंजू के साथ होती है कहानी शुरू रमन्ना द्वारा गोद लिए गए बच्चे हैं अल्लू गोपाल और पेश पांडे और देश पांडे यहाँ पे फीमा और फिर जो है उनके साथ जो है दुनिया विजय भी, भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आए हैं रोमांटिक ट्रैक संक्षिप्त है लेकिन ऐसा लगता है कि इसे जबरन थोपा गया है फिल्म में और यहाँ पे अनगिनत यौन इस सारे फिल्म को और भी थोड़ा सा नीचे घुमा देता है विजय एक स्थानीय गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं जो पिछले कुछ सालों में उनकी सफलता का नुस्खा बन गया है हालांकि दोस्तों उनका किरदार पहले से ही तय है लेकिन उन्होंने अपने शानदार अभिनय और कुछ तेज तरार लड़ाइयों के साथ इसे कुछ हद तक जो है अच्छी तरह से संभाला है मंजू एक यहाँ पर स्टूडियो टाइपिकल जो यहाँ पर सैंडल बूढ़े यानी कि विलन की विलेन तरह काम करती है जो अपने भारी जो है शरकम शरीर की बदौलत जो है डेब्यूटेंट यानी कि कुछ हद तक जो है कामयाब होती हुई नज़र आती है लेकिन वह कठोर दिखता है और उसे और अधिक जो है दिलचस्पी से दिखाया गया है इस कहानी के अंदर तो इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है भीमा जो कि एक अच्छी फिल्म थी और दर्शक इस फिल्म को देखना चाहते थे और दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया फिल्म ने काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सिर्फ पंद्रह करोड़ तक ही कमाई किया है जिससे दोस्तों ये फिल्म एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुई है दर्शकों के लिए और दर्शक और इस फिल्म के जो सुपर स्टार हीरो है गोपी चंद जिन्होंने इस फिल्म से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखेगी रखी थी कि ये फिल्म हिट होगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्देशन की कच्ची शैली और चरण राज के गहन साउंड ट्रैक ने इसे एक शक्तिशाली और भावपूर्ण अनुभव प्रदान दिया है शिवसेना की सेम्टोग्राफी हवाई दिवसों के साथ बिना यानी कि फिल्टर की गई हिंसा और रक्तपात को इतनी स्पष्टता से दर्शाया गया है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे स्क्रीन पर लाल रंग की छीटे पर रहे हो जो किसी सीधे आपके चेहरे पर वार कर रहा है वही एम बिजू और उनके राहुल जो है डिटो के आकर्षक कॉर्नर्ड यहाँ पर रैप गाने भी तीव्रता को बढ़ावा देता है जबकि मस्ती के दमदार संवाद फिल्म के प्रभाव को और भी ज़्यादा आगे लेकर जाता है इसी साथ दोस्तों इस कहानी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है साथ ही साथ फिल्म की कहानी काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त और पॉपुलर है जिसे दर्शक काफ़ी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं भीमा फिल्म में एक प्रभावशाली संवाद में किशोर बच्चों की तुलना और उनके अलावा जो है माचिस की तालियों से की गई है जो कि दोस्तों बता दें कि ये रूपक फिल्म के लिए मंच तैयार करता है जो कि एक संघर्षशील पड़ोसी की कठोर परिस्थितियों को समझता है जहाँ पे युवाओं के बीच अवैध यानी की गतिविधियाँ उनके सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों को उजागर करती है वही कहानी हमें जो है रमन्ना इनकी अच्युत कुमार से मिलवाती है जिसकी दुनिया जिसकी दुनिया तब जो है तबाह हो जाती है जब उसका बेटा ड्रग तस्करी के निरंतर खतरे के आगे झुक जाता है यहीं पे रमन्ना की छत के नीचे जो है भीमा विजय भी कुमार भी रहते हैं जो कि दोस्तों उनको दिखाया जाता है इस कहानी के अंदर जो इस फिल्म में एक अच्छे अभिनय एक अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे जो उसकी मैकेनिक की दुकान में काम करने वाला एक अनाथ लड़का है बड़ा होकर वह एक उत्साही जो है ड्रग और ड्रग में काम करना स्टार्ट कर देता है वह अपने जो है समुदाय से नशे की लत को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है इसी के साथ दोस्तों फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पे मरीज जो आना शहर में कैसे जो है घुसता है इसके व्यापक पहुँच को दर्शाता है क्योंकि ये झुकी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों और युवाओं के शोषण को उजागर करता है जिन्हें दोस्तों ड्रग्स बनाने और फिर वितरित करने के लिए मजबूर किया जाता है कई गहन और खुलासा करने वाले दृश्यों के माध्यम से बीमा इस अवैध व्यापार और समुदायों पर इसके निशा इसके विनाशकारी प्रभाव पर एक बेबाक नज़र डालता है जिसमें अमीर और गरीब शहरी युवाओं दोनों शामिल है जो कि के आकर्षक दृश्य और यहाँ स्थानीय गैंगस्टरों का गहन चित्रण और इन व्यक्तित्वों द्वारा जो है सामने की जाने वाली कठोर और वास्तविकताओं को बढ़ावा देती है साथ ही बेंगलुरु के वास्तविक जो है जीवन के किस्से कहानी में प्रारमणिकताएँ दी गई है प्रिया यहाँ पे शत मौशन ने गिरजा का किरदार फिल्म में निभाया है जो कि एक ऐसी पुलिस अधिकारी है जो अनियंत्रित उपद्र और जो है मादक जो है पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अथक दृढ़ संकल्प के साथ जो है कार्यभार संभालती है उनका किरदार प्रकृति की एक शक्ति है जो कि दोस्तों स्थानीय गुंडों से सीधे जो है भिड़ने वाला एक इंसान है जो कानून को बिना जो कानून को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित है गिरजा का सक्रिय रुख और बीमा और यहाँ पे कुखर ट्रक डीलर ड्रैगन और मंजू दोनों से जो है लड़ने की इच्छा उनके अंदर रहता है इसी के साथ दोस्तों भीमा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापक मुद्दे और विभिन्न सामाजिक वर्गों पर इसके प्रभाव को उजागर करता है तथा सामाजिक और यहाँ पे आवश्यकताएं पर जोर दिया गया है निर्देशक अभिनेता के रूप में विजय कुमार का साहसिक चित्रण समुद्र मुख यहाँ पे अमुखौटों के नीचे रखा गया है अपने सबसे काले मुद्दों को छुपाने वाले शहर का एक ताज़ा आँख खोलने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है फिल्म यहाँ पे ड्रैगन मंजू और भीमा के बीच एक नाट किया, बदला संघर्ष में समाप्त हो जाती है जिसमें भीमा को विजेता और हराने वाले दोनों के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है भीमा में ऐसे गंभीर और विचलित करने वाले दृश्य है जिन्हें देखना मुश्किल हो जाता है नशीले दबाव की यहाँ पे खतपत और क्रू हिंसा का चित्रण शांति यहाँ पे अभाद्र भाषा और इसकी ए रेटिंग को भी सही तरीके से दिखाया गया है ये निम्न और माध्यम वर्ग के जीवन की कठोर वास्तविकताओं और अपराध और नशे के चक्र को दिखाने से नहीं हटता है संवादों में अश्लीलता और आदान प्रदान की विशेषताएं हैं और फिल्म में लैंगिक यानी के पूर्वाग्रह और अत्याधिक जो रक्तपात को दर्शाया गया है इसके आगे दोस्तों बता दें हालांकि फिल्म में कुछ खामियां हैं हालांकि भीमा एक यथार्थवादी चित्रण और जान और जानकारी पूर्ण सामग्री प्रदान तो करती है लेकिन ये कथात्मक और गहराई और समस्याओं में थोड़ा सा कमजोर है इसकी कथा कभी कभी उलझी हुई लगती है जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लापरवाह बाइक यानी कि व्हीलिंग और दीर्यश जो कि दुखद घटना को दिखाता है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया है बीमा फिल्म को अगर आप लोग को बीमा फिल्म की रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल भी आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी सीसन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक मोई फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भीमा तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भीमा फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2024 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया है और ये फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग भीवा फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं भीमा फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की काल्पनिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे ए हर्ष सर ने लिखा है जिसे ए हर्ष सर द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म में गोपी चंद ने दोहरी भूमिका निभाई है उनके साथ फिल्म में प्रिय भवानी शंकर और मालविका शर्मा ने अभिनय किया है अब इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो ए हर्षा सर द्वारा फिल्म को डायरेक्शन दिया गया है और पदकथा भी ए हर्षा द्वारा ही लिखा गया है फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म को श्री सत्य साई आर्ट द्वारा फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 8 मार्च 2024 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में वहीं दोस्तों फ़िल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई है इसी के इस साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को आठ मार्च दो को बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज़ किया गया था और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस करेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ ये फिल्म एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप मूवी साबित हुआ है वहीं दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस फिल्म की कहानी एस आई भीमा को कर्नाटक के महेंद्र गिरी नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है शुरुआत में जहाँ पे गंगेश का नियंत्रण है भीमा की मुलाकात विद्या से फिल्मी होती है जो एक स्कूल शिक्षिका है और आयुर्वेदिक चिकित्सक रवि वर्मा की अनुयायी है एक रात भीमा को छोटे बच्चों के अवैध परिवहन में लगे एक टैंकर का पता चलता है फिल्म में जहां पर उसे पता चलता है कि रविंद्र वर्मा संजीवनी का आविष्कार करने के लिए अवैध प्रयोग कर रहा है जो एक हर्षल पौधा है जो कि एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकता है भीमा यहां पर रविंद्र वर्मा के ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर रविंद्र वर्मा विद्या और फिर बच्चों को यहाँ पे बंधक बना लेता है रविंदर वर्मा मौके का फ़ायदा उठाता है और भीमा विद्या और फिर बच्चों को मार देता है भीमा का जुड़वा भाई रामा जो कि एक मंदिर का पुजारी बन चुका है वो भीमा की मौत के बारे में सब कुछ जान जाता है फिल्म के अंदर तो इस फिल्म की कहानी इससे भी आधारित है वहीं इस फिल्म के विकास के बारे में हम बात कर ले तो भीमा की आधिकारिक घोषणा बारह जून दो को गोपी चंद के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी दस अगस्त दो को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्रियों के रूप में घोषित किया गया था इस फिल्म की संगीत के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर रवि बसरूर द्वारा तैयार किया गया है और पहला एकल ये कल ये येदो माया 9 फरवरी 2009 फरवरी को 2023 में रिलीज कर दिया गया था और दूसरा एक कल गालिश 21 फरवरी को रिलीज किया गया था और इसके बाद सेवन मार्च को फिल्म का तीसरा एक रेज ऑफ भीमा रिलीज किया गया था और सभी संगीत को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के बारे में साथ ही साथ दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी है क्या ये फिल्म हिट होना चाहिए या फिर फ्लॉप होना चाहिए इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे अगर आप लोगों ने भीवा फ़िल्म को अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों इस इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं तो अगर आप लोग भीवा फ़िल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसी साथ दोस्तों सलागा के बाद विजय कुमार द्वारा निर्देशित की गई भीमा बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए लिखी गई है और उन्होंने शुरू से ही इस बार में स्पष्ट किया है कि ये फिल्म उनके और उनके प्रशंसकों के लिए उनके द्वारा लिखी गई है इसलिए कोई भी प्रशंसक सेवा की बहुत उम्मीद कर सकता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास किया गया है कि एक व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म के सभी बॉक्स टेक किए जाए वही दोस्तों पहला भाग एक दिलचस्प दृष्टिकोण और बहुत सारे संबंधित चुटकुलों के साथ अच्छी तरह से शुरू होता है हालांकि दूसरे भाग में किसी भी तरह के प्रयोग के लिए कोई भी जगह नहीं होने के कारण एक सूत्रबद्ध दृष्टिकोण के कारण लड़खड़ा जाता है कहानी वही आपको बता दें ये कहानी कागज़ पर आपको देखने में अच्छी लगेगी यहाँ पे एक यंगेस्टर को जो एक मैकेनिक की दुकान चलाते हुए दिखाया जाता है वो अपने प्रतिद्वंदियों के कारण हुए व्यक्तिगत नुकसान के नुकसान के बाद उत्पाद मचाता है अपने इलाके के युवाओं के नशों की लत में पड़ने से परेशान भीमा विजय कुमार यानी कि एक गैंगस्टर है जो कि एक मैकेनिक की दुकान चला रहे हैं जहाँ पे ड्रग्स के खिलाफ यूथ छेड़ते हैं भीमा खलायको ट्रेगन मंजू और फिर शांति कंकरोचे सोदी को सबक सिखाने का बड़ा सबक सिखाने का बेरा उठाते हैं और और वहीं पे सलाह के बाद विजय कुमार द्वारा निर्देशित की गई है भीमा बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए लिखी गई फिल्म है और वो शुरू से ही इसके बारे में स्पष्ट रहे हैं कि फिल्म उनके और उनके प्रशंसकों के लिए उनके द्वारा लिखी गई है इसलिए कोई भी प्रशंसक सेवा क्यों उम्मीद कर सकता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास करता है कि वह एक व्यावसायिक मनोरंजन के सभी बॉक्स को टिक किए जाए जो कि पहला भाग एक दिलचस्प दृष्टिकोण और बहुत सारे भरोसेमंद चुटपुरुष के साथ शुरू होता है इसी के साथ दोस्तों गिरिजा के रूप में प्रिया यानी कि सतमर्षा उनके लाभ अद्भुत है और वह दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत से काम करती है वह संवादों को शानदार ढंग से बोलती भी है जिससे वह इस फिल्म की असली हीरो बन जाती है उनकी भूमिका हालांकि अच्छी तरह से लिखी गई थी लेकिन अधिक स्क्रीन स्पेस की हकदार थी क्योंकि भीमा एक कमर्शियल स्टार पावर वाली फिल्म है जहाँ गिरजा जो कि अच्छी तरह से शुरू होती है और फिल्म में अन्य पात्रों में से एक बन जाती है इसी के साथ दोस्तों उसके चरित्र पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करने से फिल्म की फिल्म की दिशा बदल सकती थी जो कि दोस्तों रंगयान रघु कल्याण राजू अच्युत कुमार अश्विनी अम्बरीश ड्रग्स के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए भीमा के संघर्ष में उनकी सहायता करते हुए नजर आते हैं ड्रैगन मंजू उनके अलावा कॉकरोच सुधी रघु के साथ मिलकर शिव मोगो के साथ बुरे लड़कों की भूमिका निभाती है विजय ने बेंगलुरु की गलियों से बहुत सारी स्थानीय प्रतिभाव पर्ट, का उपयोग किया है फिल्में जो कि एक स्वागत योग्य है अगर कोई एक के यहाँ पे उद्योग है जो कि यहाँ पे अंदर वर्ल्ड यानी कि कहानियों की श्रेणी में फिल्मों का निर्माण कर रहा है तो वह एक यहाँ पे के एफ आई है जो कि उन्नीस में आया था उन्नीस सौ ओम से लेकर न्यूनतम भी न्यूनतम भीमा तक ये फिल्में अलग अलग थीम के साथ समान कहानियों को लेकर आती रही है भीमा ने इस बुनियादी का ईमानदारी से इस्तेमाल किया है और शहर के युवाओं की कहानी उनके नशे की लत और फिर सप्लाई के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाया है जो कि अपराध युग की सेवा करने और उन्हें बचाने वाली राजनीतियों को बया किया है वही दोस्तों स्टार यानी कि वहीकल ट्रीटमेंट के साथ फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण फिल्म को और भी बेहतर बना सकता है लेकिन आपको बताते चले इसके अलावा भीमा ने प्रशंसकों की खूब सेवा की है और दर्शकों और प्रशंसकों के एक वर्ग को बहुत कुछ दिया है इससे वह खुश हो सके और सिनेमाघरों में जाने का कारण बन सके संपादन बेहतर हो सकता था और भी ज़्यादा लेकिन विजय ने अपने निर्देशन में एक ऐसी फिल्म बनाई है जो फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके आसानी से चलती हुई नजर आती है फिल्म का संवाद और चुटकुले अच्छे हैं लेकिन वह दर्शकों के लिए एक वर्ग को ही आकर्षित करता है इसी के साथ युवाओं के एक वर्ग के लिए, लिए लिखी गई ये फिल्म उनकी सभी जो है जरूरतों को पूरा करती है भीमा की सबसे बड़ी ताकत चरण राज का यहाँ पे संगीत है जो पहले आधे घंटे में तीन बैक टू बैक यहाँ पे रैप गाने लगाए गए हैं म्यूजिकल के बारे में हम बात करें तो म्यूजिकल फिल्म की तरह ही लगता है हालांकि फिल्म यहाँ पे विशेष रूप से रैप संगीत का जश्न नहीं मनाती है लेकिन एम सी और राहुल डिटो ने सुनिश्चित किया है कि पूरा एल्बम उनकी पेशकश की हर चीज़ों को शामिल करती है शामिल करने का बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लाइमेक्स सीन के दौरान चरम पर होता है लेकिन आपको बता दें लोक गीतों और पारंपरिक गीतों का मिश्रण एक अनूठी भावनाओं को जगाता भी है जिसे पूरी फिल्म में जिसे पूरी फिल्म में दिखाया गया है हालांकि यहाँ पे टुकड़ों में साथ ही प्रशंसकों और क्लाइमेक्स में दुनिया विजय सिनेमेटिक यूनिवर्स यु, यु, की ट्विस्ट के लिए तैयार किया गया है भीमा दुनिया विजय की बेंगलुरु के अंदर वैली और फिल्मों की एक शैली के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में ये फिल्म काम करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है तो भीमा फिल्म की जो कहानी है ये दर्शकों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है गोपी चंद ने फिल्म में शानदार ने किया अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया फिर भी इनकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा काम की नहीं हुई है फिल्म की कहानी कागज़ पर देखने में अच्छा लगता है लेकिन सिनेमाघर में उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था इस फिल्म को लेकिन आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में और फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में दोस्तों आपको पता है मैं जब रिव्यू करता हूँ तो पूरी फिल्म को एनालिसिस ज़रूर करता हूँ इस फिल्म की कहानी जो कि मैंने आप लोग को बता ही दिया है प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो हाल के दिनों में इस भीमा को गोपी चंद द्वारा निभाया गया सबसे बड़ा किरदार माना जा सकता है निर्देशक ने फिल्म को एक अलग अनुभव देने के लिए भीमा की भूमिका में कुछ विशेषताएं जोड़ी है और गोपी चंद ने आशाधारक रूप से चंचल पुलिस वाले की भूमिका निभाई है वही अभिनेता हाल ही में कभी इतने ऊर्जावान नहीं दिखे और उनका दमदार उनका मर्दाना रूप और मर्दाना अवतार लोगों को दीवाना बना देगा उनकी भूमिका का एक और आयाम यह है कि यह गोपी चंद ने इसमें भी अच्छी विविधता दिखाई है फिल्म की शुरुआत एक दिलचस्प नोट पर शुरू होती है जिसमें पर जिसमें दिखाया जाता है कि परशुरामनी क्षेत्रम की यहाँ पे उत्पेदों के बारे में बताने वाला वॉइस ओवर होता है और ये शुरुआती दृश्य है जो कि लगभग पंद्रह मिनट तक चलता रहता है वही दोस्तों हमारा ध्यान आकर्षित करेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरवल एपिसोड दाव बढ़ाता चला जाता है और हमें दूसरे भाग का से इंतजार करवाता है प्री क्लाइमेक्स के दौरान मालविका शर्मा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और अभिनेत्री ने यह अच्छा प्रदर्शन भी किया है दोस्तों बता दें नरेश मुकेश तिवारी उनके अलावा रघु बाबू और यहाँ पे छमक चंद्रा अपनी भूमिकाओं में काफ़ी शानदार दिखे हैं इस फिल्म के अंदर फिल्म आखिरी आधे घंटे में अपने चरम पर पहुंच जाती है यहां भावनाओं को दमदार संवादों के साथ अहम और और यहां पे वीरता के दृश्यों को बड़े करीने से पेश किया गया है और इसी वजह से ये गहन और फिर टकराव बहुत बढ़िया लगता है देखने में लेकिन किशोर और रोहिणी से जुड़े कुछ कॉमेडी पल अच्छे से भर सकते हैं फिल्म में जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस शानदार तरीके से बनाए गए हैं रवि बसरूर का प्रभावशाली बैकग्राउंड स्कोर हाई वोल्टेज रेंगते हुए खर यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाला दिवसों को अगले स्तर तक लेकर जा सकता है इसी के साथ अब बात करें फिल्म की माइनस अंक के बारे में तो दोस्तों बता दें कि अच्छे परीक्षात्मक एपिसोड के बाद जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है धीरे धीरे अपनी पकड़ को खोती हुई जाती है प्रेम ट्रैक शुरू होने के बाद फिल्म एक बाद पर पहुंच जाती है और यह समझ में आता है कि निर्माता ने फिल्म को बड़े पैमाने पर दर्शकों को ध्यान में रखते हुए बनाया है लेकिन जिस तरह से पूरे प्रेम वाले हिस्सों को डिजाइन किया गया है वह अश्लील है और दर्शकों के कुछ वर्गों के लिए असहज होगा पहला भाग पूरी तरह से बीमा के चरित्र चित्रण के लिए समर्पित है लेकिन समस्या यह है कि प्रेम प्रसंग के कारण स्क्रीन पर बहुत अधिक समय व्यतीत बिताया जाता है फिल्म में मुख्य बिंदु को बेहतर तरीके से उजागर किया जा सकता था इसे आधे रास्ते में ही लाया गया है क्योंकि यहाँ दूसरे मुख्य किरदार जिस पर पूरा दूसरा भाग आधारित है उनको अधिक स्थान दिया जाना चाहिए था इस फिल्म के अंदर लेकिन ऐसा नहीं किया गया है शनवाद फिल्म का रोमांटिक दृश्य और खूनी दृश्य फिल्म की अपील को व्यापक दर्शकों तक सीमित कर सकता है आगे पीछे की शैली की पदकथा एक अत्याधिक उपयोग कई बार जो भ्रम पैदा करेगा क्योंकि बता दें कि समस्या सीमा का पालन करना मुश्किल हो सकता है जो कि प्रिया भवानी शंकर ने अच्छा काम तो किया है लेकिन उनकी भूमिका में गहराई की बहुत ज़्यादा कमी है इसी के साथ दोस्तों अब बात करें फिल्म की टेक्निकी पहलू के बारे में तो इन दिनों ज़्यादातर फिल्मों में शानदार दिवसा होते ही है और दोस्तों बीमा भी इससे अलग नहीं है क्योंकि स्वामी जे गौडा की स्नेमाटोग्राफी बेहतरीन है और ख़ास तौर पर रात के दृश्यों को उनके लेंस के जरिए अच्छी तरह से दिखाया गया है प्रोडक्शन वैल्यू बेहतरीन है गाने अच्छे हैं लेकिन रवि बसुर का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है इस तरह की मास फिल्मों में अच्छे एक्शन सीन होने चाहिए जरूर निर्देशक ए हर्षा ने इस मास एक्शन ड्रामा में एक फंटासी तत्वों को शामिल किया है जो कि सामूहिक दृश्य और चरमोत्कर्ष भाग को बड़े करीने से प्रस्तुत किया गया है उन्होंने गोपी चंद को भी ठीक तरीके से दिखाया है लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्रेम ट्रैक लिखा गया है वह निराशाजनक है ये फिल्म सबसे बड़ी कमी है और ये कुछ हद तक जो है प्रभाव को बाधित कर देगी जैसे कि पहले कहा गया था और आगे पीछे की भत्खा कई बार भ्रमित करने वाली है इस मूवी की कुल मिलाकर भीमा एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें दोनों हिस्सों में कुछ अच्छे पल है गोपी चंद फिल्म में अति सक्रिय है और उन्होंने एक गहन प्रदर्शन दिया है शुरुआत में शुरुआती अंतराल और यहाँ पे आखिरी आधे घंटों को अच्छी तरह से संभाला गया है लेकिन बाकी हिस्सों को बेहतर निष्पादित भी किया गया है और शकता ये थी कि बोरिंग लव ट्रैक एक ऐसा पहलू है जो कि फिल्म को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर सकता है मुख्य बिंदु को और अधिक हाईलाइट किया जाना चाहिए था और फिल्म की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है और ये अन्य जो है वर्गों की तुलना में बड़े पैमाने पर दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी करता है ये फिल्म तो इस तरह का रिव्यू आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है कहानी भी शानदार रही थी भीमा जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी फिल्म मानी जा रही थी रिलीज होने से पहले लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया यही सबसे बड़ी कमी है इस फिल्म की इसी के साथ दोस्तों जैसे कि फिल्म के बारे में आगे भी कहा गया था कि फिल्म की कहानी दिलचस्प होने वाली थी भीमा की लेकिन कुछ हद तक ये फिल्म थोड़ा सा निराशाजनक साबित हुआ तो बॉक्स ऑफिस पे फिल्म की शुरुआत बेंगलुरु के दिल जैसी रोड इलाके में होती है ये मैकेनिक यानी कि रमन्ना अच्युत कुमार और उसके अनैतिक सहायक जम्बा के मंजा ब्लैक ड्रैगन मंजू के साथ होती है कहानी शुरू रमन्ना द्वारा गोद लिए गए बच्चे अल्लू गोपाल और पेश पांडे और देश पांडे यहाँ पे फीमा और फिर जो है उनके साथ जो है दुनिया विजय भी, भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आए हैं रोमांटिक ट्रैक संक्षिप्त है लेकिन ऐसा लगता है कि इसे जबरन थोपा गया है फिल्म में और यहाँ पे अनगिनत यौन इस सारे फिल्म को और भी थोड़ा सा नीचे घुमा देता है विजय एक स्थानीय गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं जो पिछले कुछ सालों में उनकी सफलता का नुस्खा बन गया है हालांकि दोस्तों उनका किरदार पहले से ही तय है लेकिन उन्होंने अपने शानदार अभिनय और कुछ तेज तरार लड़ाइयों के साथ इसे कुछ हद तक जो है अच्छी तरह से संभाला है मंजू एक यहाँ पर स्टूडियो टाइपिकल जो यहाँ पर सैंडल बूड यानी कि विलन की विलेन तरह काम करती है जो अपने भारी जो है शरकम शरीर की बदौलत जो है डेब्यूटेंट यानी कि कुछ हद तक जो है कामयाब होती हुई नज़र आती है लेकिन वह कठोर दिखता है और उसे और अधिक जो है दिलचस्पी से दिखाया गया है इस कहानी के अंदर तो इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है भीमा जो कि एक अच्छी फिल्म थी और दर्शक इस फिल्म को देखना चाहते थे और दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया फिल्म ने काफ़ी कमजोर प्रदर्शन किया बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सिर्फ पंद्रह करोड़ तक ही कमाई किया है जिससे दोस्तों ये फिल्म एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुई है दर्शकों के लिए और दर्शक और इस फिल्म के जो सुपर स्टार हीरो है गोपी चंद जिन्होंने इस फिल्म से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखेगी रखी थी कि ये फिल्म हिट होगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्देशन की कच्ची शैली और चरण राज के गहन साउंड ट्रैक ने इसे एक शक्तिशाली और भावपूर्ण अनुभव प्रदान दिया है सेना की सेम्टोग्राफी हवाई दिवसों के साथ बिना यानी कि फिल्टर की गई हिंसा और रक्तपात को इतनी स्पष्टता से दर्शाया गया है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे स्क्रीन पर लाल रंग के छीटे पर रहे हो जो कि सीधे आपके चेहरे पर वार कर रहा है वहीं एम बिजू और उनके राहुल जो है डिटो के आकर्षक कॉर्नॉड यहाँ पर रैप गाने भी तीव्रता को बढ़ावा देता है जबकि मस्ती के दमदार शनवाद फिल्म के प्रभाव को और भी ज़्यादा आगे लेकर जाता है इसी के साथ दोस्तों इस कहानी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है साथ ही साथ फिल्म की कहानी काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त और पॉपुलर है जिसे दर्शक काफ़ी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं फिल्म में एक प्रभावशाली संवाद में किशोर बच्चों की तुलना और उनके अलावा जो है माचिस की तालियों से की गई है जो कि दोस्तों बता दें कि ये रूपक फिल्म के लिए मंच तैयार करता है जो कि एक संघर्षशील पड़ोसी की कठोर परिस्थितियों को समझता है जहाँ पे युवाओं के बीच अवैध की गतिविधियाँ उनके सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों को उजागर करती है वही कहानी हमें जो है रमन्ना इनकी अच्युत कुमार से मिलवाती है जिसकी दुनिया जिसकी दुनिया तब जो है तबाह हो जाती है जब उसका बेटा ड्रग तस्करी के निरंतर खतरे के आगे झुक जाता है यहीं पे रमन्ना की छत के नीचे जो है भीमा विजय कुमार भी रहते हैं जो कि दोस्तों उनको दिखाया जाता है इस कहानी के अंदर जो इस फिल्म में एक अच्छे अभिनय एक अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे जो उसकी मैकेनिक की दुकान में काम करने वाला एक अनाथ लड़का है बड़ा होकर वह एक उत्साही जो है ड्रग ड्रग में काम करना स्टार्ट कर देता है वह अपने जो है समुदाय से नशे की लत को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है इसी के साथ दोस्तों फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पे मरीज जो आना शहर में कैसे जो है घुसता है इसके व्यापक पहुँच को दर्शाता है क्योंकि ये झुकी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों और युवाओं के शोषण को उजागर करता है जिन्हें दोस्तों ड्रग्स बनाने और फिर वितरित करने के लिए मजबूर किया जाता है कई गहन और खुलासा करने वाले दृश्यों के माध्यम से भीमा इस अवैध व्यापार और समुदायों पर इसके निशा इसके विनाशकारी प्रभाव पर एक बेबाक नज़र डालता है जिसमें अमीर और गरीब शहरी युवाओं दोनों शामिल है जो कि झोपड़ियों के आकर्षक दृश्य और यहाँ स्थानीय गंगेस्टरों का गहन चित्रण और इन व्यक्तित्व द्वारा जो है सामने की जाने वाली कठोर और वास्तविकताओं को बढ़ावा देती है साथ ही बेंगलुरु के वास्तविक जो है जीवन के किस्से कहानी में प्राणिकताएँ दी गई है प्रिया यहाँ पे शत मौशन ने गिरजा का किरदार फिल्म में निभाया है जो कि एक ऐसी पुलिस अधिकारी है जो अनियंत्रित उपद्र और जो है मादक जो है पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अथक दृढ़ संकल्प के साथ जो है कार्यभार संभालती है उनका किरदार प्रकृति की एक शक्ति है जो कि दोस्तों स्थानीय गुंडों से सीधे जो है भिड़ने वाला एक इंसान है जो कानून को बिना जो कानून को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित है गिरजा का सक्रिय रुख और बीमा और यहाँ पे कुखा ट्रक डीलर ड्रैगन और मंजू दोनों से जो है लड़ने की इच्छा उनके अंदर रहता है इसी के साथ दोस्तों भीमा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापक मुद्दे और विभिन्न सामाजिक वर्गों पर इसके प्रभाव को उजागर करता है तथा सामाजिक और यहाँ पे आवश्यकताएं पर जोर दिया गया है निर्देशक अभिनेता के रूप में विजय कुमार का साहसिक चित्रण समुद्र मुख यहाँ पे अमुखौटों के नीचे रखा गया है अपने सबसे काले मुद्दों को छुपाने वाले शहर का एक ताज़ा आँख खोलने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है फिल्म यहाँ पे ड्रैगन मंजू और भीमा के बीच एक नाट किया बदला संघर्ष में समाप्त हो जाती है जिसमें भीमा को विजेता भी और हराने वाले दोनों के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है बीमा में ऐसे गंभीर और विचलित करने वाले दृश्य है जिन्हें देखना मुश्किल हो जाता है नशीले दवाओं की यहाँ पे खतपथ और क्रू हिंसा का चित्रण शादी यहाँ पे अभद्र भाषा और इसकी ए रेटिंग को भी सही तरीके से दिखाया गया है ये निम्न और माध्यम वर्ग के जीवन की कठोर वास्तविकताओं और अपराध और नशे के चक्र को दिखाने से नहीं हटता है संवादों में अश्लीलता और आदान प्रदान की विशेषताएं हैं और फिल्म में लैंगिक यानी के पूर्वाग्रह और अत्याधिक जो रक्तपात को दर्शाया गया है इसके आगे दोस्तों बता दें हालांकि फिल्म में कुछ खामियां है हालांकि भीमा एक यथार्थवादी चित्रण और जान और जानकारी पूर्ण सामग्री प्रदान तो करती है लेकिन ये कथात्मक और गहराई और समस्याओं में थोड़ा सा कमज़ोर है इसकी कथा कभी कभी उलझी हुई लगती है जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लापरवाह बाइक यानी कि व्हीलिंग और दीश जो कि दुखद घटना को दिखाता है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया है बीमा फिल्म को अगर आप लोग को बीमा फिल्म की रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टेल एंड सी यू सीओसन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक मोई फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भीमा तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भीमा फिल्म को बनाने में कितना रुपये खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2024 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया है और ये फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग भीवा फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से इस तार में बात कर लेते हैं भीमा फ़िल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई भारतीय तेलगु भाषा की काल्पनिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे ए हर्ष सर ने लिखा है जिसे ए हर्ष सर द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म में गोपी चंद ने दोहरी भूमिका निभाई है उनके साथ फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा ने अभिनय किया है अब इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो ए हर्षा सर द्वारा फिल्म को डायरेक्शन दिया गया है और पदकथा भी ए हर्षा द्वारा ही लिखा गया है फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म को श्री सत्य साई आर्ट द्वारा फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 8 मार्च 2024 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में वहीं दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई है इसी साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को आठ मार्च दो को बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज़ किया गया था और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस करेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ ये फिल्म एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप मूवी साबित हुआ है वहीं दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस फिल्म की कहानी एस आई भीमा को कर्नाटक के महेंद्र गिरी नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है शुरुआत में जहाँ पे गंगेश्तरों का नियंत्रण है भीमा की मुलाकात विद्या से फिल्म में होती है जो एक स्कूल शिक्षिका है और आयुर्वेदिक चिकित्सक रवि वर्मा की अनुयायी है एक रात भीमा को छोटे बच्चों के अवैध परिवहन में लगे एक टैंकर का पता चलता है फिल्म में जहां पर उसे पता चलता है कि रविंद्र वर्मा संजीवनी का आविष्कार करने के लिए अवैध प्रयोग कर रहा है जो एक हर्षल पौधा है जो कि एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकता है भीमा यहां पे रविंद्र वर्मा के ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर रविंद्र वर्मा विद्या और फिर बच्चों को यहाँ पे बंधक बना लेता है रविंदर वर्मा मौके का फायदा उठाता है और भीमा विद्या और फिर बच्चों को मार देता है भीमा का जुड़वा भाई रामा जो कि एक मंदिर का पुजारी बन चुका है वो भीमा की मौत के बारे में सब कुछ जान जाता है फिल्म के अंदर तो इस फिल्म की कहानी इससे भी आधारित है वहीं इस फिल्म के विकास के बारे में हम बात कर ले तो भीमा की आधिकारिक घोषणा बारह जून 2023 को गोपी चंद के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्रियों के रूप में घोषित किया गया था इस फिल्म की संगीत के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर रबी बसरू द्वारा तैयार किया गया है और पहला एकल ये कल ये येद्धो माया नौ फरवरी दो नौ फरवरी को 2023 में ही रिलीज कर दिया गया था और दूसरा एक कल गालिश सेंदुरु 21 फरवरी को रिलीज किया गया था और इसके बाद 7 मार्च को फिल्म का तीसरा एक कल रेच ऑफ भीमा रिलीज किया गया था और सभी संगीत को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के बारे में साथ ही साथ दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी है क्या ये फ़िल्म हिट होना चाहिए या फिर फ्लॉप होना चाहिए इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे अगर आप लोगों ने भीवा फ़िल्म को अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों इस इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं तो अगर आप लोग भीवा फ़िल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसी साथ दोस्तों सलागा के बाद विजय कुमार द्वारा निर्देशित की गई भीमा बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए लिखी गई है और उन्होंने शुरू से ही इस बार में स्पष्ट किया है कि ये फिल्म उनके और उनके प्रशंसकों के लिए उनके द्वारा लिखी गई है इसलिए कोई भी प्रशंसक सेवा की बहुत उम्मीद कर सकता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास किया गया है कि एक व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म के सभी बॉक्स टेक किए जाए वहीं दोस्तों पहला भाग एक दिलचस्प दृष्टिकोण और बहुत सारे संबंधित चुटकुलों के साथ अच्छी तरह से शुरू होता है हालांकि दूसरे भाग में किसी भी तरह के प्रयोग के लिए कोई भी जगह नहीं होने के कारण एक सूत्र और दृष्टिकोण के कारण लड़खड़ा जाता है कहानी वहीं आपको बता दें ये कहानी कागज़ पर आपको देखने में अच्छी लगेगी यहाँ पे एक यंगेस्टर को जो एक मैकेनिक की दुकान चलाते हुए दिखाया जाता है वो अपने प्रतिद्वंदियों के कारण हुए व्यक्तिगत नुकसान के नुकसान के बाद उत्पात मचाता है अपने इलाके के युवाओं के नशों की लत में पड़ने से परेशान भीमा विजय कुमार यानी कि एक गैंगस्टर है जो कि एक मैकेनिक की दुकान चला रहे हैं जहाँ पे ड्रग्स के खिलाफ यूथ छेड़ते हैं भीमा खलायको ड्रैगन मंजू और फिर शांति कंकरोचे सूदी को सबक सिखाने का बड़ा सबक सिखाने का बेरा उठाते हैं और वहीं पे सलागे के बाद विजय कुमार द्वारा निर्देशित की गई है भीमा बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए लिखी गई फिल्म है और शुरू से ही इसके बारे में स्पष्ट रहे हैं कि फिल्म उनके और उनके प्रशंसकों के लिए उनके द्वारा लिखी गई है इसलिए कोई भी प्रशंसक सेवा क्यों उम्मीद कर सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास करता है कि वह एक व्यावसायिक मनोरंजन के सभी बॉक्स को टिक किए जाए जो कि पहला भाग एक दिलचस्प दृष्टिकोण और बहुत सारे भरोसेमंद चुटपुरुष के साथ शुरू होता है इसी सा के साथ दोस्तों गिरिजा के रूप में प्रिया यानी कि सतमर्षा उनके अलावा अद्भुत है और वह दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत से काम करती है वह संवादों को शानदार ढंग से बोलती भी है जिससे वह इस फिल्म की असली हीरो बन जाती है उनकी भूमिका हालांकि अच्छी तरह से लिखी गई थी लेकिन अधिक स्क्रीन स्पेस की हकदार थी क्योंकि भीवा एक कमर्शियल स्टार पावर वाली फिल्म है जहाँ पे गिरजा कि अच्छी तरह से शुरू होती है और फिल्म में अन्य पात्रों में से एक बन जाती है इसी के साथ दोस्तों उसके चरित्र पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करने से फिल्म की फिल्म की दिशा बदल सकती थी जो कि दोस्तों रंगयान रघु कल्याण राजू अच्युत कुमार अश्विनी अम्बरीश ड्रॉक्स के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए भीमा के संघर्ष में उनकी सहायता करते हुए नजर आते हैं रेगन मंजू उनके अलावा कॉकरोच सूथी रघु के साथ मिलकर शिव मोगो के साथ बुरे लड़कों की भूमिका निभाती है विजय ने बेंगलुरु की गलियों से बहुत सारी स्थानीय प्रतिभाव पर्ट, का उपयोग किया है फिल्में जो कि एक स्वागत योग्य है अगर कोई एक यहाँ पे उद्योग है जो कि यहाँ पे अंदर वर्ल्ड यानी कि कहानियों की श्रेणी में फिल्मों का निर्माण कर रहा है तो वह एक यहाँ पे के एफ आई है जो कि उन्नीस में आया था उन्नीस ओम से लेकर न्यूनतम भी न्यूनतम भीमा तक ये फिल्में अलग अलग थीम के साथ समान कहानियों को लेकर आती रही है भीमा ने इस बुनियादी का ईमानदारी से इस्तेमाल किया है और शहर के युवाओं की कहानी उनके नशे की लत और फिर सप्लाई के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाया है जो कि अपराध युग की सेवा करने और उन्हें बचाने वाली राजनीतियों को बयां किया है वही दोस्तों स्टार यानी कि वहीकल ट्रीटमेंट के साथ फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण फिल्म को और भी बेहतर बना सकता है लेकिन आपको बताते चले इसके अलावा भीमा ने प्रशंसकों की खूब सेवा की है और दर्शकों और प्रशंसकों के एक वर्ग को बहुत कुछ दिया है इससे वह खुश हो सके और सिनेमाघरों में जाने का कारण बन सके संपादन बेहतर हो सकता था और भी ज़्यादा लेकिन विजय ने अपने निर्देशन में एक ऐसी फिल्म बनाई है जो फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके आसानी से चलती हुई नजर आती है फिल्म का संवाद और चुटकुले अच्छे हैं लेकिन वह दर्शकों के लिए एक वर्ग को ही आकर्षित करता है इसी के साथ युवाओं के एक वर्ग के लिए, लिए, लिए लिखी गई ये फिल्म उनकी सभी जो है जरूरतों को पूरा करती है भीमा की सबसे बड़ी ताकत चरण राज का यहाँ पे संगीत है जो पहले आधे घंटे में तीन बैक टू बैक यहाँ पे रैप गाने लगाए गए हैं म्यूजिकल के बारे में हम बात करें तो म्यूजिकल फिल्म की तरह ही लगता है हालांकि फिल्म यहाँ पे विशेष रूप से रैप संगीत का जश्न नहीं मनाती है लेकिन एम सी विजू और राहुल डिटो ने सुनिश्चित किया है कि पूरा एल्बम उनकी पेशकश की हर चीज़ों को शामिल करती है शामिल करने का बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लाइमेक्स सीन के दौरान चरम पर होता है लेकिन आपको बता दें लोक गीतों और पारंपरिक गीतों का मिश्रण एक अनूठी भावनाओं को जगाता भी है जिसे पूरी फिल्म में जिसे पूरी फिल्म में दिखाया गया है हालांकि यहाँ पे टुकड़ों में साथ ही प्रशंसकों और क्लाइमेक्स में दुनिया विजय सिनेमेटिक यूनिवर्स यु, यु, की ट्विस्ट के लिए तैयार किया गया है भीमा दुनिया विजय की बेंगलुरु के अंदर वैली और फिल्मों की एक शैली के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में ये फिल्म काम करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है तो भीमा फिल्म की जो कहानी है ये दर्शकों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है गोपी चंद ने फिल्म में शानदार ने किया अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया फिर भी इनकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा काम की नहीं हुई है फिल्म की कहानी कागज़ पर देखने में अच्छा लगता है लेकिन सिनेमाघरों में उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था इस फिल्म को लेकिन आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में और फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में दोस्तों आपको पता है मैं जब रिव्यू करता हूँ तो पूरी फिल्म को एनालिसिस ज़रूर करता हूँ इस फिल्म की कहानी जो कि मैंने आप लोग को बता ही दिया है प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो हाल के दिनों में इस भीमा को गोपी चंद द्वारा निभाया गया सबसे बड़ा किरदार माना जा सकता है निर्देशक ने फिल्म को एक अलग अनुभव देने के लिए भीमा की भूमिका में कुछ विशेषताएं जोड़ी है और गोपी चंद ने आशाधारक रूप से चंचल पुलिस वाले की भूमिका निभाई है वही अभिनेता हाल ही में काफी इतने ऊर्जावान नहीं दिखे और उनका दमदार उनका मर्दाना रूप और मर्दाना अवतार लोगों को दीवाना बना देगा उनकी भूमिका का एक और आयाम यह है कि यह गोपी चंद ने इसमें भी अच्छी विविधता दिखाई है फिल्म की शुरुआत एक दिलचस्प नोट पर शुरू होती है जिसमें पर जिसमें दिखाया जाता है कि परशुरामी क्षेत्रम की यहाँ पे उत्पेदों के बारे में बताने वाला ओवर होता है और ये शुरुआती दृश्य है जो कि लगभग पंद्रह मिनट तक चलता रहता है वही दोस्तों हमारा ध्यान आकर्षित करेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरवल एपिसोड दाव बढ़ाता चला जाता है और हमें दूसरे भाग का से इंतजार करवाता है प्री क्लाइमेक्स के दौरान मालविका शर्मा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और अभिनेत्री ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन भी किया है दोस्तों बता दें नरेश मुकेश तिवारी उनकेला रघु बाबू और यहाँ पे छमक चंद्रा अपनी भूमिकाओं में काफ़ी शानदार दिखे हैं इस फिल्म के अंदर फिल्म आखिरी आधे घंटे में अपने चरम पर पहुंच जाती है यहां भावनाओं को दमदार संवादों के साथ अहम मोर और यहां पे वीरता के दृश्यों को बड़े करीने से पेश किया गया है और इसी वजह से ये गहन और फिर टकराव बहुत बढ़िया लगता है देखने में लेकिन किशोर और रोहिणी से जुड़े कुछ कॉमेडी पल अच्छे से भर सकते हैं फिल्म में जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस शानदार तरीके से बनाए गए हैं रवि बसरूर का प्रभावशाली बैकग्राउंड स्कोर हाई वोल्टेज रेंगते हुए खर यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाला दिवसों को अगले स्तर तक लेकर जा सकता है इसी के साथ अब बात करें फिल्म की माइनस अंक के बारे में तो दोस्तों बता दें कि अच्छे परीक्षात्मक एपिसोड के बाद जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है धीरे धीरे अपनी पकड़ को खोती हुई जाती है प्रेम ट्रैक शुरू होने के बाद फिल्म एक बाद पर पहुंच जाती है और यह समझ में आता है कि निर्माता ने फिल्म को बड़े पैमाने पर दर्शकों को ध्यान में रखते हुए बनाया है लेकिन जिस तरह से पूरे प्रेम वाले हिस्सों को डिजाइन किया गया है वह अश्लील है और दर्शकों के कुछ वर्गों के लिए असहज होगा पहला भाग पूरी तरह से बीमा के चरित्र चित्रण के लिए समर्पित है लेकिन समस्या यह है कि प्रेम प्रसंग के कारण स्क्रीन पर बहुत अधिक समय व्यतीत बिताया जाता है फिल्म में मुख्य बिंदु को बेहतर तरीके से उजागर किया जा सकता था इसे आधे रास्ते में ही लाया गया है क्योंकि यहाँ दूसरे मुख्य किरदार जिस पर पूरा दूसरा भाग आधारित है उनको अधिक स्थान दिया जाना चाहिए था इस फिल्म के अंदर लेकिन ऐसा नहीं किया गया है शनवाद फिल्म का रोमांटिक दृश्य और खूनी दृश्य फिल्म की अपील को व्यापक दर्शकों तक सीमित कर सकता है आगे पीछे की शैली की पदकथा एक अत्याधिक उपयोग कई बार जो भ्रम पैदा करेगा क्योंकि बता दें कि समस्या सीमा का पालन करना मुश्किल हो सकता है जो कि प्रिया भवानी शंकर ने अच्छा काम तो किया है लेकिन उनकी भूमिका में गहराई की बहुत ज़्यादा कमी है इसी के साथ दोस्तों अब बात करें फिल्म की टेक्निकी पहलू के बारे में तो इन दिनों ज़्यादातर फिल्मों में शानदार दृश्य होते ही है और दोस्तों बीमा भी इससे अलग नहीं है क्योंकि स्वामी जे गौडा की स्नेमोटोग्राफी बेहतरीन है और ख़ास तौर पर रात के दृश्यों को उनके लेंस के जरिए अच्छी तरह से दिखाया गया है प्रोडक्शन वैल्यू बेहतरीन है गाने अच्छे हैं लेकिन रवि बसुर का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है इस तरह की मास फिल्मों में अच्छे एक्शन सीन होने चाहिए जरूर निर्देशक ए हर्षा ने इस मास एक्शन ड्रामा में एक फंटासी तत्वों को शामिल किया है जो कि सामूहिक दृश्य और चरमोत्कर्ष भाग को बड़े करीने से प्रस्तुत किया गया है उन्होंने गोपी चंद को भी ठीक तरीके से दिखाया है लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्रेम ट्रैक लिखा गया है वह निराशाजनक है ये फिल्म सबसे बड़ी कमी है और ये कुछ हद तक जो है प्रभाव को बाधित कर देगी जैसा कि पहले कहा गया था और आगे पीछे की भत्खा कई बार भ्रमित करने वाली है इस मूवी की कुल मिलाकर भीमा एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें दोनों हिस्सों में कुछ अच्छे बल है गोपीचंद फिल्म में अति सक्रिय है और उन्होंने एक गहन प्रदर्शन दिया है शुरुआत में शुरुआती अंतराल और यहाँ पे आखिरी आधे घंटों को अच्छी तरह से संभाला गया है लेकिन बाकी हिस्सों को बेहतर निष्पादित भी किया गया है आवश्यकता ये थी कि बोरिंग लव ट्रैक एक ऐसा पहलू है जो कि फिल्म को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर सकता है मुख्य बिंदु को और अधिक हाईलाइट किया जाना चाहिए था और फिल्म की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है और ये अन्य जो है वर्गों की तुलना में बड़े पैमाने पर दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी करता है ये फिल्म तो इस तरह का रिव्यू आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है कहानी भी शानदार रही थी भीमा जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी फिल्म मानी जा रही थी रिलीज होने से पहले लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो दर्शकों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया यही सबसे बड़ी कमी है इस फिल्म की इसी के साथ दोस्तों जैसे कि फिल्म के बारे में आगे भी कहा गया था कि फ़िल्म की कहानी दिलचस्प होने वाली थी भीमा की लेकिन कुछ हद तक ये फिल्म थोड़ा सा निराशाजनक साबित हुआ तो बॉक्स ऑफिस पे फिल्म की शुरुआत बेंगलुरु के दिल जैसी रोड इलाके में होती है ये मैकेनिक यानी कि रमन्ना अच्युत कुमार और उसके अनैतिक सहायक जम्बा के मंजा ब्लैक ड्रैगन के मंजू के साथ होती है कहानी शुरू रमन्ना द्वारा गोद लिए गए बच्चे अल्लू गोपाल और पेश पांडे और देश पांडे यहाँ पे फीमा और फिर जो है उनके साथ जो है दुनिया विजय भी, भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आए हैं रोमांटिक ट्रैक संक्षिप्त है लेकिन ऐसा लगता है कि इसे जबरन थोपा गया है फिल्म में और यहाँ पे अनगिनत यौन इस सारे फिल्म को और भी थोड़ा सा नीचे घुमा देता है विजय एक स्थानीय गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं जो पिछले कुछ सालों में उनकी सफलता का नुस्खा बन गया है हालांकि दोस्तों उनका किरदार पहले से ही तय है लेकिन उन्होंने अपने शानदार अभिनय और कुछ तेज तरार लड़ाइयों के साथ इसे कुछ हद तक जो है अच्छी तरह से संभाला है मंजू एक यहाँ पे स्टूडियो टाइपिकल जो यहाँ पे सैंडल बूड यानी कि विलन की विलेन तरह काम करती है जो अपने भारी जो है शरकम शरीर की बदौलत जो है डेब्यूटेंट यानी कि कुछ हद हाँ तक जो है कामयाब होती हुई नज़र आती है लेकिन वह कठोर दिखता है और उसे और अधिक जो है दिलचस्पी से दिखाया गया है इस कहानी के अंदर तो इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है भीमा जो कि एक अच्छी फिल्म थी और दर्शक इस फिल्म को देखना चाहते थे और दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया फिल्म ने काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सिर्फ पंद्रह करोड़ तक ही कमाई किया है जिससे दोस्तों ये फिल्म एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुई है दर्शकों के लिए और दर्शक और इस फिल्म के जो सुपर स्टार हीरो है गोपी चंद जिन्होंने इस फिल्म से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखेगी रखी थी कि ये फिल्म हिट होगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्देशन की कच्ची शैली और चरण राज के गहन साउंड ट्रैक ने इसे एक शक्तिशाली और भावपूर्ण अनुभव प्रदान दिया है शिवसेना की सिमटोग्राफी हवाई दिवसों के साथ बिना यानी कि फिल्टर की गई हिंसा और रक्तपात को इतनी स्पष्टता से दर्शाया गया है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे स्क्रीन पर लाल रंग के छीटे पर रहे हो जो कि सीधे आपके चेहरे पर वार कर रहा है वही एम सी बिजू और उनके राहुल जो है डिटो के आकर्षक कॉनर डहा पे रैप गाने भी तीव्रता को बढ़ावा देता है जबकि मस्ती के दमदार संवाद फिल्म के प्रभाव को और भी ज़्यादा आगे लेकर जाता है इसी के साथ दोस्तों इस कहानी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है साथ ही साथ फिल्म की कहानी काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त और पॉपुलर है जिसे दर्शक काफ़ी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं भीमा फिल्म में एक प्रभावशाली संवाद में किशोर बच्चों की तुलना और उनके अलावा जो है माचिस की तालियों से की गई है जो कि दोस्तों बता दें कि ये रूपक फिल्म के लिए मंच तैयार करता है जो कि एक संघर्षशील पड़ोसी की कठोर परिस्थितियों को समझता है जहां पे युवाओं के बीच अवैध की गतिविधियां उनके सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों को उजागर करती है वही कहानी हमें जो है रमन्ना इनके अच्युत कुमार से मिलवाती है जिसकी दुनिया जिसकी दुनिया तब जो है तबाह हो जाती है जब उसका बेटा ड्रक तस्करी के निरंतर खतरे के आगे झुक जाता है यहीं पे रमन्ना की छत के नीचे जो है भीमा विजय भी कुमार भी रहते हैं जो कि दोस्तों उनको दिखाया जाता है इस कहानी के अंदर जो इस फिल्म में एक अच्छे अभिनय एक अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दी जो उसकी मैकेनिक की दुकान में काम करने वाला एक अनाथ लड़का है बड़ा होकर वह एक उत्साही जो है ड्रग और ड्रग में काम करना स्टार्ट कर देता है वह अपने जो है समुदाय से नशे की लत को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है इसी के साथ दोस्तों फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पे मरीज जो आना शहर में कैसे जो है घुसता है इसके व्यापक पहुँच को दर्शाता है क्योंकि ये झुंकी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों और युवाओं के शोषण को उजागर करता है जिन्हें दोस्तों ड्रग्स बनाने और फ्यूज वितरित करने के लिए मजबूर किया जाता है कई गहन और खुलासा करने वाले दृश्यों के माध्यम से बीमा इस अवैध व्यापार और समुदायों पर इसके निशा इसके विनाशकारी प्रभाव पर एक बेबाक नज़र डालता है जिसमें अमीर और गरीब शहरी युवाओं दोनों शामिल है जो कि झोपड़ियों के आकर्षक दृश्य और यहाँ स्थानीय गंगेस्टरों का गहन चित्रण और इन व्यक्तित्वों द्वारा जो है सामने की जाने वाली कठोर और वास्तविकताओं को बढ़ावा देती है साथ ही बेंगलुरु के वास्तविक जो है जीवन के किस्से कहानी में प्राणिकताएं दी गई है प्रिया यहाँ पे शत मौन ने गिरजा का किरदार फिल्म में निभाया है जो कि एक ऐसी पुलिस अधिकारी है जो अनियंत्रित उपद्र और जो है मादक जो है पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अथक दृढ़ संकल्प के साथ जो है कार्यभार संभालती है उनका किरदार प्रकृति की एक शक्ति है जो कि दोस्तों स्थानीय गुंडों से सीधे जो है भिड़ने वाला एक इंसान है जो कानून को बिना जो कानून को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित है गिरजा का सक्रिय रुख और भीमा और यहाँ पे खेतर ड्रग डीलर ड्रैगन और मंजू दोनों से जो है लड़ने की इच्छा उनके अंदर रहता है इसी के साथ दोस्तों भीमा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापक मुद्दे और विभिन्न सामाजिक वर्गों पर इसके प्रभाव को उजागर करता है तथा सामाजिक और यहाँ पे आवश्यकताएं पर जोर दिया गया है निर्देशक अभिनेता के रूप में विजय कुमार का साहसिक चित्रण समुद्र मुख यहाँ पे अमुखौटों के नीचे रखा गया है अपने सबसे काले मुद्दों को छुपाने वाले शहर का एक ताज़ा आँख खोलने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है फिल्म यहाँ पे ड्रैगन मंजू और भीमा के बीच एक नाट किया बदला संघर्ष में समाप्त हो जाती है जिसमें भीमा को विजेता और हराने वाले दोनों के रूप में इस श्रम के अंदर दिखाया जाता है भीमा में ऐसे गंभीर और विचलित करने वाले दृश्य है जिन्हें देखना मुश्किल हो जाता है नशीले दबाव की यहाँ पे खतपत और क्रू हिंसा का चित्रण साधे यहाँ पे अभद्र भाषा और इसकी ए रेटिंग को भी सही तरीके से दिखाया गया है ये निम्न और माध्यम वर्ग के जीवन की कठोर वास्तविकताओं और अपराध और नशे के चक्र को दिखाने से नहीं हटता है संवादों में अश्लीलता और आदान प्रदान की विशेषताएं हैं और फिल्म में लैंगिक यानी के पूर्वाग्रह और अत्याधिक जो पात को दर्शाया गया है इसके आगे दोस्तों बता दें हालांकि फिल्म में कुछ खामियां हैं हालांकि भीमा एक यथार्थवादी चित्रण और जान और जानकारी पूर्ण सामग्री प्रदान तो करती है लेकिन ये कथात्मक और गहराई और समस्याओं में थोड़ा सा कमजोर है इसकी कथा कभी कभी उलझी हुई लगती है जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लापरवाह बाइक यानी कि व्हीलिंग और देश जो कि दुखद घटना को दिखाता है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया है बीमा फिल्म को अगर आप लोग को बीमा फिल्म की रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टेल एंड सी यू सीओसन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक मूवी फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भीमा तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भीमा फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2024 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया है और ये फिल्म हिट हुआ है या फिर फॉलोफ हुआ है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग भीवा फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं भीमा फ़िल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की काल्पनिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे ए हर्ष सर ने लिखा है जिसे ए हर्ष सर द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म में गोपी चंद ने दोहरी भूमिका निभाई है उनके साथ फिल्म में प्रिय भवानी शंकर और मालविका शर्मा ने अभिनय किया है अब इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो ए हर्षा सर द्वारा फिल्म को डायरेक्शन दिया गया है और पदकथा भी ए हर्षा द्वारा ही लिखा गया है फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म को श्री सत्य साई आर्ट द्वारा फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 8 मार्च 2024 को फिल्म को रिलीज किया गया था तेलुगु भाषा में वही दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई है इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को आठ मार्च दो को बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज किया गया था और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस करेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ ये फिल्म एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप मूवी साबित हुआ है वहीं दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस फिल्म की कहानी एस आई भीमा को कर्नाटक के महेंद्र गिरी नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है शुरुआत में जहाँ पे गंगेश रो का नियंत्रण है भीमा की मुलाकात विद्या से फिल्मी होती है जो एक स्कूल शिक्षिका है और आयुर्वेदिक चिकित्सक रवि वर्मा की अनुयायी है एक रात भीमा को छोटे बच्चों के अवैध परिवहन में लगे एक टैंकर का पता चलता है फिल्म में जहां पर उसे पता चलता है कि रविंद्र वर्मा संजीवनी का आविष्कार करने के लिए अवैध प्रयोग कर रहा है जो एक हर्षल पौधा है जो कि एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकता है भीमा यहां पे रविंद्र वर्मा के ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे रविंद्र वर्मा विद्या और फिर बच्चों को यहाँ पे बंधक बना लेता है रविंदर वर्मा मौके का फ़ायदा उठाता है और भीमा विद्या और फिर बच्चों को मार देता है भीमा का जुड़वा भाई रामा जो कि एक मंदिर का पुजारी बन चुका है वो भीमा की मौत के बारे में सब कुछ जान जाता है फिल्म के अंदर तो इस फिल्म की कहानी इससे भी आधारित है वहीं इस फिल्म के विकास के बारे में हम बात कर ले तो भीमा की आधिकारिक घोषणा बारह जून दो को गोपी चंद के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी दस अगस्त दो को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्रियों के रूप में घोषित किया गया था इस फिल्म की संगीत के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर रवि बसरूर द्वारा तैयार किया गया है और पहला एकल ये येद्धू माया 9 फरवरी 2009 फरवरी को 2023 में रिलीज कर दिया गया था और दूसरा एकल कल गालिश सिदुरु इक्कीस फरवरी को रिलीज किया गया था और इसके बाद सेवन मार्च को फिल्म का तीसरा एकल रेच और भीमा रिलीज किया गया था और सभी संगीत को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के बारे में साथ ही साथ दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी है क्या ये फ़िल्म हिट होना चाहिए या फिर फ्लॉप होना चाहिए इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे अगर आप लोगों ने भीवा फ़िल्म को अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों इस इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं तो अगर आप लोग भीवा फ़िल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसी इसीक्षा दोस्तों सलागा के बाद विजय कुमार द्वारा निर्देशित की गई भीमा बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए लिखी गई है और उन्होंने शुरू से ही इस बारे में स्पष्ट किया है कि ये फिल्म उनके और उनके प्रशंसकों के लिए उनके द्वारा लिखी गई है इसलिए कोई भी प्रशंसक सेवा की बहुत उम्मीद कर सकता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास किया गया है कि एक व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म के सभी बॉक्स टेक किए जाए वहीं दोस्तों पहला भाग एक दिलचस्प दृष्टिकोण और बहुत सारे संबंधित चुटकुलों के साथ अच्छी तरह से शुरू होता है हालांकि दूसरे भाग में किसी भी तरह के प्रयोग के लिए कोई भी जगह नहीं होने के कारण एक सूत्रबद्ध दृष्टिकोण के कारण लड़खड़ा जाता है कहानी वहीं आपको बता दें ये कहानी कागज पर आपको देखने में अच्छी लगेगी यहाँ पे एक यंगेस्टर को जो एक मैकेनिक की दुकान चलाते हुए दिखाया जाता है वो अपने प्रतिद्वंदियों के कारण हुए व्यक्तिगत नुकसान के नुकसान के बाद उत्पाद मचाता है अपने इलाके के युवाओं के नशों की लत में पड़ने से परेशान भीमा विजय कुमार यानी कि एक गैंगस्टर है जो कि एक मैकेनिक की दुकान चला रहे हैं जहाँ पे ड्रग्स के खिलाफ यूथ छेड़ते हैं भीमा खो ड्रैगन मंजू और फिर शांति कंकरोचे सूदी को सबक सिखाने का बड़ा सबक सिखाने का बेरा उठाते हैं और और वहीं पे सलाह के बाद विजय कुमार द्वारा निर्देशित की गई है भीमा बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए लिखी गई फिल्म है और वो शुरू से ही इसके बारे में स्पष्ट रहे हैं कि फिल्म उनके और उनके प्रशंसकों के लिए उनके द्वारा लिखी गई है इसीलिए कोई भी प्रशंसक सेवा की उम्मीद कर सकता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास करता है कि वह एक व्यावसायिक मनोरंजन के सभी बॉक्स को टिक किए जाए जो कि पहला भाग एक दिलचस्प दृष्टिकोण और बहुत सारे भरोसेमंद चुटकुले के साथ शुरू होता है इसी के साथ दोस्तों गिरिजा के रूप में प्रिया यानी कि सतमर्षा उनके अलावा अद्भुत है और वह दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत से काम करती है वह संवादों को शानदार ढंग से बोलती भी है जिससे वह इस फिल्म की असली हीरो बन जाती है उनकी भूमिका हालांकि अच्छी तरह से लिखी गई थी लेकिन अधिक स्क्रीन स्पेस की हकदार थी क्योंकि भीमा एक कमर्शियल स्टार पावर वाली फिल्म है जहाँ गिरजा जो कि अच्छी तरह से शुरू होती है और फिल्म में अन्य पात्रों में से एक बन जाती है इसी के साथ दोस्तों उसके चरित्र पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करने से फिल्म की फिल्म की दिशा बदल सकती थी जो कि दोस्तों रंगियान रघु कल्याण राजू अच्युत कुमार अश्विनी अम्बरीश ड्रॉक्स के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए भीमा के संघर्ष में उनकी सहायता करते हुए नजर आते हैं रेगन मंजू उनके अलावा कॉकरोच सुधी रघु के साथ मिलकर शिव मोगो के साथ बुरे लड़कों की भूमिका निभाती है विजय ने बेंगलुरु की गलियों से बहुत सारी स्थानीय प्रतिभाव पर्ट, का उपयोग किया है फिल्म में जो कि एक स्वागत योग्य है अगर कोई एक यहाँ पे उद्योग है जो कि यहाँ पे अंदर वर्ल्ड यानी कि कहानियों की श्रेणी में फिल्मों का निर्माण कर रहा है तो वह एक यहाँ पे के एफ आई है जो कि उन्नीस में, में आया था उन्नीस सौ ओम से लेकर न्यूनतम भी न्यूनतम भीमा तक ये फिल्में अलग अलग थीम के साथ समान कहानियों को लेकर आती रही है फीमा ने इस बुनियादी का ईमानदारी से इस्तेमाल किया है और शहर के युवाओं की कहानी उनके नशे की लत और फिर सप्लाई के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाया है जो कि अपराध युग की सेवा करने और उन्हें बचाने वाली राजनीतियों को बयां किया है वही दोस्तों स्टार यानी कि वहीकल ट्रीटमेंट के साथ फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण फिल्म को और भी बेहतर बना सकता है लेकिन आपको बताते चले इसके अलावा भीमा ने प्रशंसकों की खूब सेवा की है और दर्शकों और प्रशंसकों के एक वर्ग को बहुत कुछ दिया है इससे वह खुश हो सके और सिनेमाघरों में जाने का कारण बन सके संपादन बेहतर हो सकता था और था। भी ज़्यादा लेकिन विजय ने अपने निर्देशन में एक ऐसी फिल्म बनाई है जो फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके आसानी से चलती हुई नजर आती है फिल्म का संवाद और चुटकुले अच्छे हैं लेकिन वह दर्शकों के लिए एक वर्ग को ही आकर्षित करता है इसी के साथ युवाओं के एक वर्ग के लिए, लिए लिखी गई ये फिल्म उनकी सभी जो है जरूरतों को पूरा करती है भीमा की सबसे बड़ी ताकत चरण राज का यहाँ पे संगीत है जो पहले आधे घंटे में तीन बैक टू बैक यहाँ पे रैप गाने लगाए गए हैं म्यूजिकल के बारे में हम बात करें तो म्यूजिकल फिल्म की तरह ही लगता है हालांकि फिल्म यहाँ पे विशेष रूप से रैप संगीत का जश्न नहीं मनाती है लेकिन एम सी विजू और राहुल डिटो ने सुनिश्चित किया है कि पूरा एल्बम उनकी पेशकश की हर चीज़ों को शामिल करती है शामिल करने का बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लाइमेक्स सीन के दौरान चरम पर होता है लेकिन आपको बता दें लोक गीतों और पारंपरिक गीतों का मिश्रण एक अनूठी भावनाओं को जगाता भी है जिसे पूरी फिल्म में जिसे पूरी फिल्म में दिखाया गया है हालांकि यहाँ पे टुकड़ों में साथ ही प्रशंसकों और क्लाइमेक्स में दुनिया विजय सिनेमेटिक की यूनिवर्स यु, यु, की ट्विस्ट के लिए तैयार किया गया है भीमा दुनिया विजय की बेंगलुरु के अंदर वैली और फिल्मों की एक शैली के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में ये फिल्म काम करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है तो भीमा फिल्म की जो कहानी है ये दर्शकों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है गोपी चंद ने फिल्म में शानदार ने किया अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया फिर भी इनकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा काम की नहीं हुई है फिल्म की कहानी कागज़ पर देखने में अच्छा लगता है लेकिन सिनेमाघर में उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था इस फिल्म को लेकिन आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में और फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में दोस्तों आपको पता है मैं जब रिव्यू करता हूँ तो पूरी फिल्म को एनालिसिस ज़रूर करता हूँ इस फिल्म की कहानी जो कि मैंने आप लोग को बता ही दिया है प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो हाल के दिनों में इस भीमा को गोपी चंद द्वारा निभाया गया सबसे बड़ा किरदार माना जा सकता है निर्देशक ने फिल्म को एक अलग अनुभव देने के लिए भीमा की भूमिका में कुछ विशेषताएं जोड़ी है और गोपी चंद ने आशाधारक रूप से चंचल पुलिस वाले की भूमिका निभाई है वही अभिनेता हाल ही में कभी इतने ऊर्जावान नहीं दिखे और उनका दमदार उनका मर्दाना रूप और मर्दाना अवतार लोगों को दीवाना बना देगा उनकी भूमिका का एक और आयाम यह है कि यह गोपी चंद ने इसमें भी अच्छी विविधता दिखाई है फिल्म की शुरुआत एक दिलचस्प नोट पर शुरू होती है जिसमें पर जिसमें दिखाया जाता है कि परशुरामी क्षेत्रम की यहाँ पे उत्पेदों के बारे में बताने वाला वॉइस ओवर होता है और ये शुरुआती दृश्य है जो कि लगभग पंद्रह मिनट तक चलता रहता है वही दोस्तों हमारा ध्यान आकर्षित करेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरवल एपिसोड दाव बढ़ाता चला जाता है और हमें दूसरे भाग का से इंतजार करवाता है प्री क्लाइमेक्स के दौरान मालविका शर्मा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और अभिनेत्री ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन भी किया है दोस्तों बता दें नरेश मुकेश तिवारी उनके अलावा रघु बाबू और यहाँ पे छमक चंद्रा अपनी भूमिकाओं में काफ़ी शानदार दिखे हैं इस फिल्म के अंदर फिल्म आखिरी आधे घंटे में अपने चरम पर पहुंच जाती है यहां भावनाओं को दमदार संवादों के साथ अहम मोर और यहां पे वीरता के दृश्यों को बड़े करीने से पेश किया गया है और इसी वजह से ये गहन और फिर टकराव बहुत बढ़िया लगता है देखने में लेकिन किशोर और रोहिणी से जुड़े कुछ कॉमेडी पल अच्छे से भर सकते हैं फिल्म में जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस शानदार तरीके से बनाए गए हैं रबी बसरूर का प्रभावशाली बैकग्राउंड स्कोर हाई वोल्टेज रेंगते हुए खर यानी कि रोंगटे खरे घर देने वाला दिवसों को अगले स्तर तक लेकर जा सकता है इसी के साथ अब बात करें फिल्म की माइनस अंक के बारे में तो दोस्तों बता दें कि अच्छे परीक्षात्मक एपिसोड के बाद जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है धीरे धीरे अपनी पकड़ को खोती हुई जाती है प्रेम ट्रैक शुरू होने के बाद फिल्म एक बाद पर पहुंच जाती है और यह समझ में आता है कि निर्माता ने फिल्म को बड़े पैमाने पर दर्शकों को ध्यान में रखते हुए बनाया है लेकिन जिस तरह से पूरे प्रेम वाले हिस्सों को डिजाइन किया गया है वह अश्लील है और दर्शकों के कुछ वर्गों के लिए असहज होगा पहला भाग पूरी तरह से बीमा के चरित्र चित्रण के लिए समर्पित है लेकिन समस्या यह है कि प्रेम प्रसंग के कारण स्क्रीन पर बहुत अधिक समय व्यतीत बिताया जाता है फिल्म में मुख्य बिंदु को बेहतर तरीके से उजागर किया जा सकता था इसे आधे रास्ते में ही लाया गया है क्योंकि यहाँ दूसरे मुख्य किरदार जिस पर पूरा दूसरा भाग आधारित है उनको अधिक स्थान दिया जाना चाहिए था इस फिल्म के अंदर लेकिन ऐसा नहीं किया गया है शनिवार फिल्म का रोमांटिक दृश्य और खूनी दृश्य फिल्म की अपील को व्यापक दर्शकों तक सीमित कर सकता है आगे पीछे की शैली की पदकथा एक अत्याधिक उपयोग कई बार भ्रम पैदा करेगा क्योंकि बता दें कि समस्या सीमा का पालन करना मुश्किल हो सकता है जो कि प्रिया भवानी शंकर ने अच्छा काम तो किया है लेकिन उनकी भूमिका में गहराई की बहुत ज़्यादा कमी है इसी के साथ दोस्तों अब बात करें फिल्म की टेक्निकी पहलू के बारे में तो इन दिनों ज़्यादातर फिल्मों में शानदार दृश्य होते ही है और दोस्तों बीमा भी इससे अलग नहीं है क्योंकि स्वामी जे गौडा की स्नेमोटोग्राफी बेहतरीन है और ख़ास तौर पर रात के दृश्यों को उनके लेंस के जरिए अच्छी तरह से दिखाया गया है प्रोडक्शन वैल्यू बेहतरीन है गाने अच्छे हैं लेकिन रवि बसुर का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है इस तरह की मास फिल्मों में अच्छे एक्शन सीन होने चाहिए जरूर निर्देशक ए हर्षा ने इस मास एक्शन ड्रामा में एक फंटासी तत्वों को शामिल किया है जो कि सामूहिक दृश्य और चरमोत्कर्ष भाग को बड़े करीने से प्रस्तुत किया गया है उन्होंने गोपी चंद को भी ठीक तरीके से दिखाया है लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्रेम ट्रैक लिखा गया है वह निराशाजनक है ये फिल्म सबसे बड़ी कमी है और ये कुछ हद तक जो है प्रभाव को बाधित कर देगी जैसे कि पहले कहा गया था और आगे पीछे की बदखाथा कई बार भ्रमित करने वाली है इस मूवी की कुल मिलाकर भीमा एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें दोनों हिस्सों में कुछ अच्छे पल है गोपीचंद फिल्म में अति सक्रिय है और उन्होंने एक गहन प्रदर्शन दिया है शुरुआत में शुरुआती अंतराल और यहाँ पे आखिरी आधे घंटों को अच्छी तरह से संभाला गया है लेकिन बाकी हिस्सों को बेहतर निष्पादित भी किया गया है आवश्यकता ये थी कि बोरिंग लव ट्रैक एक ऐसा पहलू है जो कि फिल्म को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर सकता है मुख्य बिंदु को और अधिक हाईलाइट किया जाना चाहिए था और फिल्म की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है और ये अन्य जो है वर्गों की तुलना में बड़े पैमाने पर दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी करता है ये फिल्म तो इस तरह का रिव्यू आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है कहानी भी शानदार रही थी भीमा जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी फिल्म मानी जा रही थी रिलीज होने से पहले लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया यही सबसे बड़ी कमी है इस फिल्म की इसी के साथ दोस्तों जैसे कि फिल्म के बारे में आगे भी कहा गया था कि फिल्म की कहानी दिलचस्प होने वाली थी भीमा की लेकिन कुछ हद तक ये फिल्म थोड़ा सा निराशाजनक साबित हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म की शुरुआत बेंगलुरु के दिल जैसी रोड इलाके में होती है ये मैकेनिक यानी कि रमन्ना अच्युत कुमार और उसके अनैतिक सहायक जम्बा के मंजा ब्लैक ड्रैगन के मंजू के साथ होती है कहानी शुरू रमन्ना द्वारा गोद लिए गए बच्चे हैं अल्लू गोपाल और पेश पांडे और देश पांडे यहाँ पर भीमा और फिर जो है उनके साथ जो है दुनिया विजय भी, भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आए हैं रोमांटिक ट्रैक संक्षिप्त है लेकिन ऐसा लगता है कि इसे जबरन थोपा गया है फिल्म में और यहाँ पे अनगिनत यौन इस सारे फिल्म को और भी थोड़ा सा नीचे घुमा देता है विजय एक स्थानीय गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं जो पिछले कुछ सालों में उनकी सफलता का नुस्खा बन गया है हालांकि दोस्तों उनका किरदार पहले से ही तय है लेकिन उन्होंने अपने शानदार अभिनय और कुछ तेज तरार लड़ाइयों के साथ इसे कुछ हद तक जो है अच्छी तरह से संभाला है मंजू एक यहाँ पे स्टूडियो टाइपिकल जो यहाँ पे सैंडल बूढ़े यानी कि विलन की विलेन तरह काम करती है जो अपने भारी जो है सरकम शरीर की बदौलत जो है डेब्यूटेंट यानी कि कुछ हद तक जो है कामयाब होती हुई नज़र आती है लेकिन वह कठोर दिखता है और उसे और अधिक जो है दिलचस्पी से दिखाया गया है इस कहानी के अंदर तो इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है भीमा जो कि एक अच्छी फिल्म थी और दर्शक इस फिल्म को देखना चाहते थे और दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया फिल्म ने काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सिर्फ पंद्रह करोड़ तक ही कमाई किया है जिससे दोस्तों ये फिल्म एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुई है दर्शकों के लिए और दर्शक और इस फिल्म के जो सुपर स्टार हीरो है गोपी चंद जिन्होंने इस फिल्म से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखेगी रखी थी कि ये फिल्म हिट होगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्देशन की कच्ची शैली और चरण राज के गहन साउंड ट्रैक ने इसे एक शक्तिशाली और भावपूर्ण अनुभव प्रदान दिया है शिवसेना की सेम्टोग्राफी हवाई दिवसों के साथ बिना यानी कि फिल्टर की गई हिंसा और रक्तपात को इतनी स्पष्टता से दर्शाया गया है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे स्क्रीन पर लाल रंग के छीटे पर रहे हो जो कि सीधे आपके चेहरे पर वार कर रहा है वही एम सी बिजू और उनके राहुल जो है डिटो के आकर्षक कॉर्नर्ड यहाँ पे रैप गाने भी तीव्रता को बढ़ावा देता है जबकि मस्ती के दमदार संवाद फिल्म के प्रभाव को और भी ज़्यादा आगे लेकर जाता है इसी के साथ दोस्तों इस कहानी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है साथ ही साथ फिल्म की कहानी काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त और पॉपुलर है जिसे दर्शक काफ़ी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं भीमा फिल्म में एक प्रभावशाली संवाद में किशोर बच्चों की तुलना और उनके अलावा जो है माचिस की तालियों से की गई है जो कि दोस्तों बता दें कि ये रूपक फिल्म के लिए मंच तैयार करता है जो कि एक संघर्षशील पड़ोसी की कठोर परिस्थितियों को समझता है जहां पे युवाओं के बीच अवैध यान की गतिविधियां उनके सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों को उजागर करती है वही कहानी हमें जो है रमन्ना यान की अच्युत कुमार से मिलवाती है जिसकी दुनिया जिसकी दुनिया तब जो है तबाह हो जाती है जब उसका बेटा ड्रग तस्करी के निरंतर खतरे के आगे झुक जाता है यहीं पे रमन्ना की छत के नीचे जो है भीमा विजय भी कुमार भी रहते हैं जो कि दोस्तों उनको दिखाया जाता है इस कहानी के अंदर जो इस फिल्म में एक अच्छे अभिनय एक अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे जो उसकी मैकेनिक की दुकान में काम करने वाला एक अनाथ लड़का है बड़ा होकर वह एक उत्साही जो है ड्रग और ड्रग में काम करना स्टार्ट कर देता है वह अपने जो है समुदाय से नशे की लत को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है इसी के साथ दोस्तों फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पे मरीज जो आना शहर में कैसे जो है घुसता है इसके व्यापक पहुँच को दर्शाता है क्योंकि ये झुकी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों और युवाओं के शोषण को उजागर करता है जिन्हें दोस्तों ड्रग्स बनाने और फ्यूजर वितरित करने के लिए मजबूर किया जाता है कई गहन और खुलासा करने वाले दृश्यों के माध्यम से भीमा इस अवैध व्यापार और समुदायों पर इसके निशा इसके विनाशकारी प्रभाव पर एक बेबाक नज़र डालता है जिसमें अमीर और गरीब शहरी युवाओं दोनों शामिल है जो कि के आकर्षक दृश्य और यहाँ स्थानीय गंगेस्टरों का गहन चित्रण और इन व्यक्तित्व द्वारा जो है सामने की जाने वाली कठोर और वास्तविकताओं को बढ़ावा देती है साथ ही बेंगलुरु के वास्तविक जो है जीवन के किस्से कहानी में प्रारमणिकताएँ दी गई है प्रिया यहाँ पे शत मौन ने गिरजा का किरदार फिल्म में निभाया है जो कि एक ऐसी पुलिस अधिकारी है जो अनियंत्रित उपद्र और जो है मादक जो है पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अथक दृढ़ संकल्प के साथ जो है कार्यभार संभालती है उनका किरदार प्रकृति की एक शक्ति है जो कि दोस्तों स्थानीय गुंडों से सीधे जो है भिड़ने वाला एक इंसान है जो कानून को बिना जो कानून को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित है गिरजा का सक्रिय रुख और भीमा और यहाँ पे कुखा ट्रक डीलर ड्रैगन और मंजू दोनों से जो है लड़ने की इच्छा उनके अंदर रहता है इसी के साथ दोस्तों भीमा नशीले दवाओं के दुरुपयोग के व्यापक मुद्दे और विभिन्न सामाजिक वर्गों पर इसके प्रभाव को उजागर करता है तथा सामाजिक और यहाँ पे आवश्यकताएँ पर जोर दिया गया है निर्देशक अभिनेता के रूप में विजय कुमार का साहसिक चित्रण समुद्र मुख यहाँ पे अमुखौटों के नीचे रखा गया है अपने सबसे काले मुद्दों को छुपाने वाले शहर का एक ताज़ा आँख खोलने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है फिल्म यहाँ पे ड्रैगन मंजू और भीमा के बीच एक नाट किया बदला संघर्ष में समाप्त हो जाती है जिसमें भीमा को विजेता भी और हराने वाले दोनों के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है बीमा में ऐसे गंभीर और विचलित करने वाले दृश्य है जिन्हें देखना मुश्किल हो जाता है नशीले दबाव की यहाँ पे खतपत और क्रू हिंसा का चितरण साधे यहाँ पे अभद्र भाषा और इसकी ए रेटिंग को भी सही तरीके से दिखाया गया है ये निम्न और माध्यम वर्ग के जीवन की कठोर वास्तविकताओं और अपराध और नशे के चक्र को दिखाने से नहीं हटता है संवादों में अश्लीलता और आदान प्रदान की विशेषताएं हैं और फिल्म में लैंगिक यानी के पूर्वाग्रह और अत्याधिक जो रक्तपात को दर्शाया गया है इसके आगे दोस्तों बता दें हालांकि फिल्म में कुछ खामियां हैं हालांकि भीमा एक यथार्थवादी चित्रण और जान और जानकारी पूर्ण सामग्री प्रदान तो करती है लेकिन ये कथात्मक और गहराई और समस्याओं में थोड़ा सा कमजोर है इसकी कथा कभी कभी उलझी हुई लगती है जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लापरवाह बाइक यानी कि व्हीलिंग और दीर्ष जो कि दुखद घटना को दिखाता है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया है बीमा फिल्म को अगर आप लोग को बीमा फिल्म की रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टेल एंड सी सीओसन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक मोई फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भीमा तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भीमा फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2024 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया है और ये फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग भीवा फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हमेशा से विस्तार में बात कर लेते हैं भीमा फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की काल्पनिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे ए हर्ष सर ने लिखा है जिसे ए हर्ष सर द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म में गोपी चंद ने दोहरी भूमिका निभाई है उनके साथ फिल्म में प्रिय भवानी शंकर और मालविका शर्मा ने अभिनय किया है अब इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो ए हर्षा सर द्वारा फिल्म को डायरेक्शन दिया गया है और पदकथा भी ए हर्षा द्वारा ही लिखा गया है फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म को श्री सत्य साई आर्ट द्वारा फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 8 मार्च 2024 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में वही दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई है इसी इस के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को आठ मार्च दो को बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज़ किया गया था और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस करेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ ये फिल्म एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप मूवी साबित हुआ है वही दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस फिल्म की कहानी एस आई भीमा को कर्नाटक के महेंद्र गिरी नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है शुरुआत में जहाँ पे गंगेश रो का नियंत्रण है भीमा की मुलाकात विद्या से फिल्में होती है जो एक स्कूल शिक्षिका है और आयुर्वेदिक चिकित्सक रवि वर्मा की अनुयायी है एक रात भीमा को छोटे बच्चों के अवैध परिवहन में लगे एक टैंकर का पता चलता है फिल्म में जहां पर उसे पता चलता है कि रविंद्र वर्मा संजीवनी का आविष्कार करने के लिए अवैध प्रयोग कर रहा है जो एक हर्षल पौधा है जो कि एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकता है भीमा यहां पे रविन्द्र वर्मा के ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे रविंद्र वर्मा विद्या और फिर बच्चों को यहाँ पे बंधक बना लेता है रविंदर वर्मा मौके का फ़ायदा उठाता है और भीमा विद्या और फिर बच्चों को मार देता है भीमा का जुड़वा भाई रामा जो कि एक मंदिर का पुजारी बन चुका है वो भीमा की मौत के बारे में सब कुछ जान जाता है फिल्म के अंदर तो इस फिल्म की कहानी इससे भी आधारित है वहीं इस फिल्म के विकास के बारे में हम बात कर ले तो भीमा की आधिकारिक घोषणा बारह जून दो को गोपी चंद के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी दस अगस्त दो को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्रियों के रूप में घोषित किया गया था इस फिल्म की संगीत के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर रबी बसरूर द्वारा तैयार किया गया है और पहला एकल ये कल ये येदो माया 9 फरवरी 2009 फरवरी को दो में रिलीज कर दिया गया था और दूसरा एक कल गालिश 21 फरवरी को रिलीज किया गया था और इसके बाद सेवन मार्च को फिल्म का तीसरा एक रेज ऑफ भीमा रिलीज किया गया था और सभी संगीत को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के बारे में साथ ही साथ दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी है क्या ये फिल्म हिट होना चाहिए या फिर फ्लॉप होना चाहिए इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे अगर आप लोगों ने भीवा फ़िल्म को अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों इस इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं तो अगर आप लोग भीवा फ़िल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसी सा दोस्तों सलागा के बाद विजय कुमार द्वारा निर्देशित की गई भीमा बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए लिखी गई है और उन्होंने शुरू से ही इस बारे में स्पष्ट किया है कि ये फिल्म उनके और उनके प्रशंसकों के लिए उनके द्वारा लिखी गई है इसलिए कोई भी प्रशंसक सेवा की बहुत उम्मीद कर सकता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास किया गया है कि एक व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म के सभी बॉक्स टेक किए जाए वही दोस्तों पहला भाग एक दिलचस्प दृष्टिकोण और बहुत सारे संबंधित चुटकुलों के साथ अच्छी तरह से शुरू होता है हालांकि दूसरे भाग में किसी भी तरह के प्रयोग के लिए कोई भी जगह नहीं होने के कारण एक सूत्र बद दृष्टिकोण के कारण लड़खड़ा जाता है कहानी वहीं आपको बता दें ये कहानी कागज़ पर आपको देखने में अच्छी लगेगी यहाँ पे एक यंगेस्टर को जो एक मैकेनिक की दुकान चलाते हुए दिखाया जाता है वो अपने प्रतिद्वंदियों के कारण हुए व्यक्तिगत नुकसान के नुकसान के बाद उत्पाद मचाता है अपने इलाके के युवाओं के नशों की लत में पड़ने से परेशान भीमा विजय कुमार यानी कि एक गैंगस्टर है जो कि एक मैकेनिक की दुकान चला रहे हैं जहाँ पे ड्रग्स के खिलाफ यूथ छेड़ते हैं भीमा खलायको ड्रैगन मंजू और फिर शांति कंकरोचे सूदी को सबक सिखाने का बड़ा सबक सिखाने का बेरा उठाते हैं और और वहीं पे सलाह के बाद विजय कुमार द्वारा निर्देशित की गई है भीमा बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए लिखी गई फिल्म है और वह शुरू से ही इसके बारे में स्पष्ट रहे हैं कि फिल्म उनके और उनके प्रशंसकों के लिए उनके द्वारा लिखी गई है इसलिए कोई भी प्रशंसक सेवा क्यों उम्मीद कर सकता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास करता है कि वह एक व्यावसायिक मनोरंजन के सभी बॉक्स को टिक किए जाए जो कि पहला भाग एक दिलचस्प दृष्टिकोण और बहुत सारे भरोसेमंद चुटपुरुष के साथ शुरू होता है इसी के साथ दोस्तों गिरिजा के रूप में प्रिया यानी कि सतमर्षा उनके अलावा अद्भुत है और वह दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत से काम करती है वह संवादों को शानदार ढंग से बोलती भी है जिससे वह इस फिल्म की असली हीरो बन जाती है उनकी भूमिका हालांकि अच्छी तरह से लिखी गई थी लेकिन अधिक स्क्रीन स्पेस की हकदार थी क्योंकि भीवा एक कमर्शियल स्टार पावर वाली फिल्म है जहाँ पे गिरजा जो कि अच्छी तरह से शुरू होती है और फिल्म में अन्य पात्रों में से एक बन जाती है इसी के साथ दोस्तों उसके चरित्र पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करने से फिल्म की फिल्म की दिशा बदल सकती थी जो कि दोस्तों रंगयान रघु कल्याण राजू अच्युत कुमार अश्विनी अम्बरीश ड्रॉक्स के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए भीमा के संघर्ष में उनकी सहायता करते हुए नजर आते हैं ड्रैगन मंजू उनके अलावा कॉकरोच सुधी रघु के साथ मिलकर शिव मोगो के साथ बुरे लड़कों की भूमिका निभाती है विजय ने बेंगलुरु की गलियों से बहुत सारी स्थानीय प्रतिभाव पर्ट, का उपयोग किया है फिल्में जो कि एक स्वागत योग्य है अगर कोई एक के यहाँ पे उद्योग है जो कि यहाँ पे अंदर वर्ल्ड यानी कि कहानियों की श्रेणी में फिल्मों का निर्माण कर रहा है तो वह एक यहाँ पे के एफ आई है जो कि उन्नीस में आया था उन्नीस सौ ओम से लेकर न्यूनतम भी न्यूनतम भीमा तक ये फिल्में अलग अलग थीम के साथ समान कहानियों को लेकर आती रही है फीमा ने इस बुनियादी का ईमानदारी से इस्तेमाल किया है और शहर के युवाओं की कहानी उनके नशे की लत और फिर सप्लाई के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाया है जो कि अपराध युग की सेवा करने और उन्हें बचाने वाले राजनीतियों को बयां किया है वही दोस्तों स्टार यानी कि वहीकल ट्रीटमेंट के साथ फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण फिल्म को और भी बेहतर बना सकता है लेकिन आपको बताते चले इसके अलावा भीमा ने प्रशंसकों की खूब सेवा की है और दर्शकों और प्रशंसकों के एक वर्ग को बहुत कुछ दिया है इससे वह खुश हो सके और सिनेमा सिनेमाघरों में जाने का कारण बन सके संपादन बेहतर हो सकता था और भी ज़्यादा लेकिन विजय ने अपने निर्देशन में एक ऐसी फिल्म बनाई है जो फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके आसानी से चलती हुई नजर आती है फिल्म का संवाद और चुटकुले अच्छे हैं लेकिन वह दर्शकों के लिए एक वर्ग को ही आकर्षित करता है इसी के साथ युवाओं के एक वर्ग के लिए, लिए लिखी गई ये फिल्म उनकी सभी जो है ज़रूरतों को पूरा करती है भीमा की सबसे बड़ी ताकत चरण राज का यहाँ पे संगीत है जो पहले आधे घंटे में तीन बैक टू बैक यहाँ पे रैप गाने लगाए गए हैं म्यूजिकल के बारे में हम बात करें तो म्यूजिकल फिल्म की तरह ही लगता है हालांकि फिल्म यहाँ पे विशेष रूप से रैप संगीत का जश्न नहीं मनाती है लेकिन एम सी विजू और राहुल डिटो ने सुनिश्चित किया है कि पूरा एल्बम उनकी पेशकश की हर चीज़ों को शामिल करती है शामिल करने का बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लाइमेक्स सीन के दौरान चरम पर होता है लेकिन आपको बता दें लोक गीतों और पारंपरिक गीतों का मिश्रण एक अनूठी भावनाओं को जगाता भी है जिसे पूरी फिल्म में जिसे पूरी फिल्म में दिखाया गया है हालांकि यहाँ पे टुकड़ों में साथ ही प्रशंसकों और क्लाइमेक्स में दुनिया विजय सिनेमेटिक यूनिवर्स यु, यु, की ट्विस्ट के लिए तैयार किया गया है भीमा दुनिया विजय की बेंगलुरु के अंदर वैली और फिल्मों की एक शैली के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में ये फिल्म काम करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है तो भीमा फिल्म की जो कहानी है ये दर्शकों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है गोपी चंद ने फिल्म में शानदार ने किया अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया फिर भी इनकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा काम की नहीं हुई है फिल्म की कहानी कागज़ पर देखने में अच्छा लगता है लेकिन सिनेमाघर में उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था इस फिल्म को लेकिन आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में और फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में दोस्तों आपको पता है मैं जब रिव्यू करता हूँ तो पूरी फिल्म को एनालिसिस ज़रूर करता हूँ इस फिल्म की कहानी जो कि मैंने आप लोग को बता ही दिया है प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो हाल के दिनों में भीमा को गोपी चंद द्वारा निभाया गया सबसे बड़ा किरदार माना जा सकता है निर्देशक ने फिल्म को एक अलग अनुभव देने के लिए भीमा की भूमिका में कुछ विशेषताएँ जोड़ी है और गोपी चंद ने आशाधारण रूप से चंचल पुलिस वाले की भूमिका निभाई है वही अभिनेता हाल ही में काफी इतने ऊर्जावान नहीं दिखे और उनका दमदार उनका मर्दाना रूप और मर्दाना अवतार लोगों को दीवाना बना देगा उनकी भूमिका का एक और आयाम यह है कि यह गोपी चंद ने इसमें भी अच्छी विविधता दिखाई है फिल्म की शुरुआत एक दिलचस्प नोट पर शुरू होती है जिसमें जिसमें दिखाया जाता है कि परशुरामनी क्षेत्रम की यहाँ पे उत्पेदों के बारे में बताने वाला वॉइस ओवर होता है और ये शुरुआती दृश्य है जो कि लगभग पंद्रह मिनट तक चलता रहता है वही दोस्तों हमारा ध्यान आकर्षित करेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरवल एपिसोड दाव बढ़ाता चला जाता है और हमें दूसरे भाग का से इंतजार करवाता है प्री क्लाइमेक्स के दौरान मालविका शर्मा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और अभिनेत्री ने यह अच्छा प्रदर्शन भी किया है दोस्तों बता दें नरेश मुकेश तिवारी उनके अलावा रघु बाबू और यहाँ पे छमक चंद्रा अपनी भूमिकाओं में काफ़ी शानदार दिखे हैं इस फिल्म के अंदर फिल्म आखिरी आधे घंटे में अपने चरम पर पहुंच जाती है यहां भावनाओं को दमदार संवादों के साथ अहम मोर और यहां पे वीरता के दृश्यों को बड़े करीने से पेश किया गया है और इसी वजह से ये गहन और फिर टकराव बहुत बढ़िया लगता है देखने में लेकिन किशोर और रोहिणी से जुड़े कुछ कॉमेडी पल अच्छे से भर सकते हैं फिल्म में जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस शानदार तरीके से बनाए गए हैं रवि बसरूर का प्रभावशाली बैकग्राउंड स्कोर हाई वोल्टेज रेंगटे हुए खर यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाला दिवसों को अगले स्तर तक लेकर जा सकता है इसी के साथ अब बात करें फिल्म की माइनस अंक के बारे में तो दोस्तों बता दें कि अच्छे परीक्षात्मक एपिसोड के बाद जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है धीरे धीरे अपनी पकड़ को खोती हुई जाती है प्रेम ट्रैक शुरू होने के बाद फिल्म एक बाद पर पहुंच जाती है और यह समझ में आता है कि निर्माता ने फिल्म को बड़े पैमाने पर दर्शकों को ध्यान में रखते हुए बनाया है लेकिन जिस तरह से पूरे प्रेम वाले हिस्सों को डिजाइन किया गया है वह अश्लील है और दर्शकों के कुछ वर्गों के लिए असहज होगा पहला भाग पूरी तरह से बीमा के चरित्र चित्रण के लिए समर्पित है लेकिन समस्या यह है कि प्रेम प्रसंग के कारण स्क्रीन पर बहुत अधिक समय व्यतीत बिताया जाता है फिल्म में मुख्य बिंदु को बेहतर तरीके से उजागर किया जा सकता था इसे आधे रास्ते में ही लाया गया है क्योंकि यहाँ दूसरे मुख्य किरदार जिस पर पूरा दूसरा भाग आधारित है उनको अधिक स्थान दिया जाना चाहिए था इस फिल्म के अंदर लेकिन ऐसा नहीं किया गया है शनवाद फिल्म का रोमांटिक दृश्य और खूनी दृश्य फिल्म की अपील को व्यापक दर्शकों तक सीमित कर सकता है आगे पीछे की शैली की पदकथा एक अत्याधिक उपयोग कई बार जो भ्रम पैदा करेगा क्योंकि बता दें कि समस्या सीमा का पालन करना मुश्किल हो सकता है जो कि प्रिया भवानी शंकर ने अच्छा काम तो किया है लेकिन उनकी भूमिका में गहराई की बहुत ज़्यादा कमी है इसी के साथ दोस्तों अब बात करें फिल्म की तकनीकी पहलू के बारे में तो इन दिनों ज़्यादातर फिल्मों में शानदार दृश्य होते ही है और दोस्तों भीमा भी इससे अलग नहीं है क्योंकि स्वामी जे गौडा की स्नेमाटोग्राफी बेहतरीन है और ख़ास तौर पर रात के दृश्यों को उनके लेंस के जरिए अच्छी तरह से दिखाया गया है प्रोडक्शन वैल्यू बेहतरीन है गाने अच्छे हैं लेकिन रवि बसुर का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है इस तरह की मास फिल्मों में अच्छे एक्शन सीन होने चाहिए जरूर निर्देशक ए हर्षा ने इस मास एक्शन ड्रामा में एक फंटासी तत्वों को शामिल किया है जो कि सामूहिक दृश्य और चरमोत्कर्ष भाग को बड़े करीने से प्रस्तुत किया गया है उन्होंने गोपी चंद को भी ठीक तरीके से दिखाया है लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्रेम ट्रैक लिखा गया है वह निराशाजनक है ये फिल्म सबसे बड़ी कमी है और ये कुछ हद तक जो है प्रभाव को बाधित कर देगी जैसे कि पहले कहा गया था और आगे पीछे की भत्खा कई बार भ्रमित करने वाली है इस मूवी की कुल मिलाकर भीमा एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें दोनों हिस्सों में कुछ अच्छे पल है गोपीचंद फिल्म में अति सक्रिय है और उन्होंने एक गहन प्रदर्शन दिया है शुरुआत में शुरुआती अंतराल और यहाँ पे आखिरी आधे घंटों को अच्छी तरह से संभाला गया है लेकिन बाकी हिस्सों को बेहतर निष्पादित भी किया गया है आवश्यकता ये थी कि बोरिंग लव ट्रैक एक ऐसा पहलू है जो कि फिल्म को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर सकता है मुख्य बिंदु को और अधिक हाईलाइट किया जाना चाहिए था और फिल्म की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है और ये अन्य जो है वर्गों की तुलना में बड़े पैमाने पर दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी करता है ये फिल्म तो इस तरह का रिव्यू आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है कहानी भी शानदार रही थी भीमा जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी फिल्म मानी जा रही थी रिलीज होने से पहले लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया यही सबसे बड़ी कमी है इस फिल्म की इसी के साथ दोस्तों जैसे कि फिल्म के बारे में आगे भी कहा गया था कि फिल्म की कहानी दिलचस्प होने वाली थी भीमा की लेकिन कुछ हद तक ये फिल्म थोड़ा सा निराशाजनक साबित हुआ बॉक्स ऑफिस पे फिल्म की शुरुआत बेंगलुरु के दिल जैसी रोड इलाके में होती है ये मैकेनिक यानी कि रमन्ना अच्युत कुमार और उसके अनैतिक सहायक जम्बा के मंजा ब्लैक ड्रैगन के मंजू के साथ होती है कहानी शुरू रमन्ना द्वारा गोद लिए गए बच्चे अल्लू गोपाल और पेश पांडे और देश पांडे यहाँ पे फीमा और फिर जो है उनके साथ जो है दुनिया विजय भी, भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आए हैं रोमांटिक ट्रैक संक्षिप्त है लेकिन ऐसा लगता है कि इसे जबरन थोपा गया है फिल्म में और यहाँ पे अनगिनत यौन इस सारे फिल्म को और भी थोड़ा सा नीचे घुमा देता है विजय एक स्थानीय गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं जो पिछले कुछ सालों में उनकी सफलता का नुस्खा बन गया है हालांकि दोस्तों उनका किरदार पहले से ही तय है लेकिन उन्होंने अपने शानदार अभिनय और कुछ तेज तरार लड़ाइयों के साथ इसे कुछ हद तक जो है अच्छी तरह से संभाला है मंजू एक यहाँ पे स्टूडियो टाइपिकल जो यहाँ पर सैंडल बूड यानी कि विलन की तरह काम करती है जो अपने भारी जो है सरकम शरीर की बदौलत जो है डेब्यूटेंट यानी कि कुछ हद तक जो है कामयाब होती हुई नजर आती है लेकिन वह कठोर दिखता है और उसे और अधिक जो है दिलचस्पी से दिखाया गया है इस कहानी के अंदर तो इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है भीमा जो कि एक अच्छी फिल्म थी और दर्शक इस फिल्म को देखना चाहते थे और दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया फिल्म ने काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सिर्फ पंद्रह करोड़ तक ही कमाई किया है जिससे दोस्तों ये फिल्म एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुई है दर्शकों के लिए और दर्शक और इस फिल्म के जो सुपरस्टार हीरो है गोपी चंद जिन्होंने इस फिल्म से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखेगी रखी थी कि ये फिल्म हिट होगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्देशन की कच्ची शैली और चरण राज के गहन साउंड ट्रैक ने इसे एक शक्तिशाली और भावपूर्ण अनुभव प्रदान दिया है शिवसेना की सेम्टोग्राफी हवाई दिवसों के साथ बिना यानी कि फिल्टर की गई हिंसा और रक्तपात को इतनी स्पष्टता से दर्शाया गया है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर लाल रंग के छीटे पर रहे हो जो किसी सीधे आपके चेहरे पर वार कर रहा है वही एम बिजू और उनके राहुल जो है डिटो के आकर्षक कॉर्नर्ड यहाँ पर रैप गाने भी तीव्रता को बढ़ावा देता है जबकि मस्ती के दमदार संवाद फिल्म के प्रभाव को और भी ज़्यादा आगे लेकर जाता है इसी के साथ दोस्तों इस कहानी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है साथ ही साथ फिल्म की कहानी काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त और पॉपुलर है जिसे दर्शक काफ़ी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं भीमा फिल्म में एक प्रभावशाली संवाद में किशोर बच्चों की तुलना और उनके अलावा जो है माचिस की तालियों से की गई है जो कि दोस्तों बता दें कि ये रूपक फिल्म के लिए मंच तैयार करता है जो कि एक संघर्षशील की कठोर परिस्थितियों को समझता है जहाँ पे युवाओं के बीच अवैध की गतिविधियाँ उनके सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों को उजागर करती है वही कहानी हमें जो है रमन्ना इनकी अच्युत कुमार से मिलवाती है जिसकी दुनिया जिसकी दुनिया तब जो है तबाह हो जाती है जब उसका बेटा ड्रक तस्करी के निरंतर खतरे के आगे झुक जाता है यहीं पे रमन्ना की छत के नीचे जो है भीमा विजय कुमार भी रहते हैं जो कि दोस्तों उनको दिखाया जाता है इस कहानी के अंदर जो इस फिल्म में एक अच्छे अभिनय एक अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे जो उसकी मैकेनिक की दुकान में काम करने वाला एक अनाथ लड़का है बड़ा होकर वह एक उत्साही जो है ड्रग और ड्रग में काम करना स्टार्ट कर देता है वह अपने जो है समुदाय से नशे की लत को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है इस एक साथ दोस्तों फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पे मरीज जो आना शहर में कैसे जो है घुसता है इसके व्यापक पहुँच को दर्शाता है क्योंकि ये झुकी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों और युवाओं के शोषण को उजागर करता है जिन्हें दोस्तों ड्रग्स बनाने और फ्यूचर वितरित करने के लिए मजबूर किया जाता है कई गहन और खुलासा करने वाले दृश्यों के माध्यम से भीमा इस अवैध व्यापार और समुदायों पर इसके निशा इसके विनाशकारी प्रभाव पर एक बेबाक नज़र डालता है जिसमें अमीर और गरीब शहरी युवाओं दोनों शामिल है जो कि झोपड़ियों के आकर्षक दृश्य और यहाँ स्थानीय गंगेस्टरों का गहन चित्रण और इन व्यक्तित्व द्वारा जो है सामने की जाने वाली कठोर और वास्तविकताओं को बढ़ावा देती है साथ ही बेंगलुरु के वास्तविक जो है जीवन के किस्से कहानी में प्रारमणिकताएँ दी गई है प्रिया यहाँ पे शत मौन ने गिरजा का किरदार फिल्म में निभाया है जो कि एक ऐसी पुलिस अधिकारी है जो अनियंत्रित उपद्र और जो है मादक जो है पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अथक दृढ़ संकल्प के साथ जो है कार्यभार संभालती है उनका किरदार प्रकृति की एक शक्ति है जो कि दोस्तों स्थानीय गुंडों से सीधे जो है भिड़ने वाला एक इंसान है जो कानून को बिना जो कानून को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित है गिरजा का सक्रिय रूप और भीमा और यहाँ पे ड्रग डीलर ड्रैगन और मंजू दोनों से जो है लड़ने की इच्छा उनके अंदर रहता है इसी के साथ दोस्तों भीमा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापक मुद्दे और विभिन्न सामाजिक वर्गों पर इसके प्रभाव को उजागर करता है तथा सामाजिक और यहाँ पे आवश्यकताएं पर जोर दिया गया है निर्देशक अभिनेता के रूप में विजय कुमार का साहसिक चित्रण समुद्र मुख यहाँ पे अमुखौटों के नीचे रखा गया है अपने सबसे काले मुद्दों को छुपाने वाले शहर का एक ताज़ा आँख खोलने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है फिल्म यहाँ पे ड्रैगन मंजू और भीमा के बीच एक नाट किया बदला संघर्ष में समाप्त हो जाती है जिसमें भीमा को विजेता भी और हराने वाले दोनों के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है भीमा में ऐसे गंभीर और विचलित करने वाले दृश्य है जिन्हें देखना मुश्किल हो जाता है नशीले दवाओं की यहाँ पे खतपत और क्रू हिंसा का चित्रण शादी यहाँ पे अभद्र भाषा और इसकी ए रेटिंग को भी सही तरीके से दिखाया गया है ये निम्न और माध्यम वर्ग के जीवन की कठोर वास्तविकताओं और अपराध और नशे के चक्र को दिखाने से नहीं हटता है संवादों में अश्लीलता और आदान प्रदान की विशेषताएं हैं और फिल्म में लैंगिक यानी के पूर्वाग्रह और अत्याधिक जो रक्तपात को दर्शाया गया है इसके आगे दोस्तों बता दें हालांकि फिल्म में कुछ खामियां हैं हालांकि भीमा एक यथार्थवादी चित्रण और जान और जानकारी पूर्ण सामग्री प्रदान तो करती है लेकिन ये कथात्मक और गहराई और समस्याओं में थोड़ा सा कमजोर है इसकी कथा कभी कभी उलझी हुई लगती है जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लापरवाह बाइक यानी कि व्हीलिंग और दीर्यश जो कि दुखद घटना को दिखाता है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया है बीमा फिल्म को अगर आप लोग को बीमा फिल्म की रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल भी आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टेल एंड सी सीन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक मूवी फैक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भीमा तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भीमा फिल्म को बनाने में कितना रुपये खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2024 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया है और ये फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग भीवा फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूरोप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम मैं से विस्तार में बात कर लेते हैं भीमा फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की काल्पनिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे ए हर्ष सर ने लिखा है जिसे ए हर्ष सर द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म में गोपी चंद ने दोहरी भूमिका निभाई है उनके साथ फिल्म में प्रिय भवानी शंकर और मालविका शर्मा ने अभिनय किया है अब इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो ए हर्षा सर द्वारा फिल्म को डायरेक्शन दिया गया है और पदकथा भी ए हर्षा द्वारा ही लिखा गया है फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म को श्री सत्य साई आर्ट द्वारा फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म की रिलीज़ डेट के बारे में हम बात करें तो 8 मार्च 2024 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में वहीं दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई है इसी के इस साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को आठ मार्च दो को बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज़ किया गया था और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस करेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ ये फिल्म एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप मूवी साबित हुआ है वहीं दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस फिल्म की कहानी एस आई भीमा को कर्नाटक के महेंद्र गिरी नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है शुरुआत में जहाँ पे गंगेश् का नियंत्रण है भीमा की मुलाकात विद्या से फिल्मी होती है जो एक स्कूल शिक्षिका है और आयुर्वेदिक चिकित्सक रवि वर्मा की अनुयायी है एक रात भीमा को छोटे बच्चों के अवैध परिवहन में लगे एक टैंकर का पता चलता है फिल्म में जहां पर उसे पता चलता है कि रविंद्र वर्मा संजीवनी का आविष्कार करने के लिए अवैध प्रयोग कर रहा है जो एक हर्षल पौधा है जो कि एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकता है भीमा यहां पे रविंद्र वर्मा के ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर रविंद्र वर्मा विद्या और फिर बच्चों को यहाँ पे बंधक बना लेता है रविंदर वर्मा मौके का फायदा उठाता है और भीमा विद्या और फिर बच्चों को मार देता है भीमा का जुड़वा भाई रामा जो कि एक मंदिर का पुजारी बन चुका है वो भीमा की मौत के बारे में सब कुछ जान जाता है फिल्म के अंदर तो इस फिल्म की कहानी इससे भी आधारित है वहीं इस फिल्म के विकास के बारे में हम बात कर ले तो भीमा की आधिकारिक घोषणा बारह जून दो को गोपी चंद के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी दस अगस्त दो को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्रियों के रूप में घोषित किया गया था इस फिल्म की संगीत के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर रवि बसरूर द्वारा तैयार किया गया है और पहला एकल ये कल ये येदो माया 9 फरवरी 2009 फरवरी को 2023 में रिलीज कर दिया गया था और दूसरा एकल गाली गालिश 21 फरवरी को रिलीज किया गया था और इसके बाद सेवन मार्च को फिल्म का तीसरा एकल रेज ऑफ भीमा रिलीज किया गया था और सभी संगीत को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के बारे में साथ ही साथ दोस्तों फ़िल्म की कहानी कैसी है क्या ये फ़िल्म हिट होना चाहिए या फिर फ्लॉप होना चाहिए इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे अगर आप लोगों ने भीमा फ़िल्म को अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं तो अगर आप लोग भीमा फ़िल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसी सा दोस्तों सलागा के बाद विजय कुमार द्वारा निर्देशित की गई भीमा बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए लिखी गई है और उन्होंने शुरू से ही इस बार में स्पष्ट किया है कि ये फिल्म उनके और उनके प्रशंसकों के लिए उनके द्वारा लिखी गई है इसलिए कोई भी प्रशंसक सेवा की बहुत उम्मीद कर सकता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास किया गया है कि एक व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म के सभी बॉक्स टेक किए जाए वही दोस्तों पहला भाग एक दिलचस्प दृष्टिकोण और बहुत सारे संबंधित चुटकुलों के साथ अच्छी तरह से शुरू होता है हालांकि दूसरे भाग में किसी भी तरह के प्रयोग के लिए कोई भी जगह नहीं होने के कारण एक सूत्र बद दृष्टिकोण के कारण लड़खड़ा जाता है कहानी वही आपको बता दें ये कहानी कागज़ पर आपको देखने में अच्छी लगेगी यहाँ पे एक यंगेस्टर को जो एक मैकेनिक की दुकान चलाते हुए दिखाया जाता है वो अपने प्रतिद्वंदियों के कारण हुए व्यक्तिगत नुकसान के नुकसान के बाद उत्पात मचाता है अपने इलाके के युवाओं के नशों की लत में पड़ने से परेशान भीमा विजय कुमार यानी कि एक गैंगस्टर है जो कि एक मैकेनिक की दुकान चला रहे हैं जहाँ पे ड्रग्स के खिलाफ यूथ छेड़ते हैं भीमा खलायको ड्रैगन मंजू और फिर शांति कंकरोचे सूदी को सबक सिखाने का बड़ा सबक सिखाने का बेरा उठाते हैं और और वहीं पे सलाह के बाद विजय कुमार द्वारा निर्देशित की गई है भीमा बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए लिखी गई फिल्म है और वो शुरू से ही इसके बारे में स्पष्ट रहे हैं कि फिल्म उनके और उनके प्रशंसकों के लिए उनके द्वारा लिखी गई है इसलिए कोई भी प्रशंसक सेवा की उम्मीद कर सकता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास करता है कि वह एक व्यावसायिक मनोरंजन के सभी बॉक्स को टिक किए जाए जो कि पहला भाग एक दिलचस्प दृष्टिकोण और बहुत सारे भरोसेमंद चुटकुलुस के साथ शुरू होता है इसी के साथ दोस्तों गिरिजा के रूप में प्रिया यानी कि सतमर्षा उनके लिए अद्भुत है और वह दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत से काम करती है वह संवादों को शानदार ढंग से बोलती भी है जिससे वह इस फिल्म की असली हीरो बन जाती है उनकी भूमिका हालांकि अच्छी तरह से लिखी गई थी लेकिन अधिक स्क्रीन स्पेस की हकदार थी क्योंकि भीमा एक कमर्शियल स्टार पावर वाली फिल्म है जहाँ पे गिरजा जो, जो कि अच्छी तरह से शुरू होती है और फिल्म में अन्य पात्रों में से एक बन जाती है इसी के इस साथ दोस्तों उसके चरित्र पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करने से फिल्म की फिल्म की दिशा बदल सकती थी जो कि दोस्तों रंगयान रघु कल्याण राजू अच्युत कुमार अश्विनी अम्बरीश ड्रग्स के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए भीमा के संघर्ष में उनकी सहायता करते हुए नजर आते हैं ड्रैगन मंजू उनके अलावा कॉकरोच सुधी रघु के साथ मिलकर शिव मोगो के साथ बुरे लड़कों की भूमिका निभाती है विजय ने बेंगलुरु की गलियों से बहुत सारी स्थानीय पार्ट प्रतिभाव का उपयोग किया है फिल्में जो कि एक स्वागत योग्य है अगर कोई एक यहाँ पे उद्योग है जो कि यहाँ पे अंदर वर्ल्ड यानी कि कहानियों की श्रेणी में फिल्मों का निर्माण कर रहा है तो वह एक यहाँ पे के एफ आई है जो कि उन्नीस में आया था उन्नीस सौ ओम से लेकर न्यूनतम भी न्यूनतम भीमा तक ये फिल्में अलग अलग थीम के साथ समान कहानियों को लेकर आती रही है भीमा ने इस बुनियादी का ईमानदारी से इस्तेमाल किया है और शहर के युवाओं की कहानी उनके नशे की लत और फिर सप्लाई के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाया है जो कि अपराध युग की सेवा करने और उन्हें बचाने वाली राजनीतियों को बया किया है वही दोस्तों स्टार यानी कि वहीकल ट्रीटमेंट के साथ फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण फिल्म को और भी बेहतर बना सकता है लेकिन आपको बताते चले इसके अलावा भीमा ने प्रशंसकों की खूब सेवा की है और दर्शकों और प्रशंसकों के एक वर्ग को बहुत कुछ दिया है इससे वह खुश हो सके और सिनेमाघरों में जाने का कारण बन सके संपादन बेहतर हो सकता था और भी ज़्यादा लेकिन विजय ने अपने निर्देशन में एक ऐसी फिल्म बनाई है जो फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके आसानी से चलती हुई नजर आती है फिल्म का संवाद और चुटकुले अच्छे हैं लेकिन वह दर्शकों के लिए एक वर्ग को ही आकर्षित करता है इसी के साथ युवाओं के एक वर्ग के लिए, लिए लिखी गई ये फिल्म उनकी सभी जो है जरूरतों को पूरा करती है भीमा की सबसे बड़ी ताकत चरण राज का यहाँ पे संगीत है जो पहले आधे घंटे में तीन बैक टू बैक यहाँ पे रैप गाने लगाए गए हैं म्यूजिकल के बारे में हम बात करें तो म्यूजिकल फिल्म की तरह ही लगता है हालांकि फिल्म यहाँ पे विशेष रूप से रैप संगीत का जश्न नहीं मनाती है लेकिन एम सी और राहुल डिटो ने सुनिश्चित किया है कि पूरा एल्बम उनकी पेशकश की हर चीज़ों को शामिल करती है शामिल करने का बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लाइमेक्स सीन के दौरान चरम पर होता है लेकिन आपको बता दें लोक गीतों और पारंपरिक गीतों का मिश्रण एक अनूठी भावनाओं को जगाता भी है जिसे पूरी फिल्म में जिसे पूरी फिल्म में दिखाया गया है हालांकि यहाँ पे टुकड़ों में साथ ही प्रशंसकों और क्लाइमेक्स में दुनिया विजय सिनेमेटिक यूनिवर्स यु, यु, की ट्विस्ट के लिए तैयार किया गया है भीमा दुनिया विजय की बेंगलुरु के अंदर वैली और फिल्मों की एक शैली के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में ये फिल्म काम करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है तो भीमा फिल्म की जो कहानी है ये दर्शकों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है गोपी चंद ने फिल्म में शानदार ने किया अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया फिर भी इनकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा काम की नहीं हुई है फिल्म की कहानी कागज़ पर देखने में अच्छा लगता है लेकिन सिनेमापुर में उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था इस फिल्म को लेकिन आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म के प्लस पॉइंट के बारे में और फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में दोस्तों आपको पता है मैं जब रिव्यू करता हूं तो पूरी फिल्म को एनालिसिस ज़रूर करता हूं इस फिल्म की कहानी जो कि मैंने आप लोग को बता ही दिया है प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो हाल के दिनों में इस भीमा को गोपी चंद द्वारा निभाया गया सबसे बड़ा किरदार माना जा सकता है निर्देशक ने फिल्म को एक अलग अनुभव देने के लिए भीमा की भूमिका में कुछ विशेषताएं जोड़ी है और गोपी चंद ने आशाधारक रूप से चंचल पुलिस वाले की भूमिका निभाई है वही अभिनेता हाल ही में काफी इतने ऊर्जावान नहीं दिखे और उनका दमदार उनका मर्दाना रूप और मर्दाना अवतार लोगों को दीवाना बना देगा उनकी भूमिका का एक और आयाम यह है कि यह गोपी चंद ने इसमें भी अच्छी विविधता दिखाई है फिल्म की शुरुआत एक दिलचस्प नोट पर शुरू होती है जिसमें जिसमें दिखाया जाता है कि परशुरामनी क्षेत्रम की यहाँ पे उत्पेदों के बारे में बताने वाला वॉइस ओवर होता है और ये शुरुआती दृश्य है जो कि लगभग पंद्रह मिनट तक चलता रहता है वही दोस्तों हमारा ध्यान आकर्षित करेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरवल एपिसोड दाव बढ़ाता चला जाता है और हमें दूसरे भाग का से इंतजार करवाता है प्री क्लाइमेक्स के दौरान मालविका शर्मा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और अभिनेत्री ने यह अच्छा प्रदर्शन भी किया है दोस्तों बता दें नरेश मुकेश तिवारी उनके अलावा रघु बाबू और यहाँ पे छमक चंद्रा अपनी भूमिकाओं में काफ़ी शानदार दिखे हैं इस फिल्म के अंदर फिल्म आखिरी आधे घंटे में अपने चरम पर पहुंच जाती है यहां भावनाओं को दमदार संवादों के साथ अहम मोर और यहां पे वीरता के दृश्यों को बड़े करीने से पेश किया गया है और इसी वजह से ये गहन और फिर टकराव बहुत बढ़िया लगता है देखने में लेकिन किशोर और रोहिणी से जुड़े कुछ कॉमेडी पल अच्छे से भर सकते हैं फिल्म में जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस शानदार तरीके से बनाए गए हैं रवि बसरूर का प्रभावशाली बैकग्राउंड स्कोर हाई वोल्टेज रेंगते हुए खर यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाला दिवसों को अगले स्तर तक लेकर जा सकता है इसी के साथ अब बात करें फिल्म की माइनस अंक के बारे में तो दोस्तों बता दें कि अच्छे परीक्षात्मक एपिसोड के बाद जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है धीरे धीरे अपनी पकड़ को खोती हुई जाती है प्रेम ट्रैक शुरू होने के बाद फिल्म एक बाद पर पहुंच जाती है और यह समझ में आता है कि निर्माता ने फिल्म को बड़े पैमाने पर दर्शकों को ध्यान में रखते हुए बनाया है लेकिन जिस तरह से पूरे प्रेम वाले हिस्सों को डिजाइन किया गया है वह अश्लीला है और दर्शकों के कुछ वर्गों के लिए असहज होगा पहला भाग पूरी तरह से बीमा के चरित्र चित्रण के लिए समर्पित है लेकिन समस्या यह है कि प्रेम प्रसंग के कारण स्क्रीन पर बहुत अधिक समय व्यतीत बिताया जाता है फिल्म में मुख्य बिंदु को बेहतर तरीके से उजागर किया जा सकता था इसे आधे रास्ते में ही लाया गया है क्योंकि यहाँ दूसरे मुख्य किरदार जिस पर पूरा दूसरा भाग आधारित है उनको अधिक स्थान दिया जाना चाहिए था इस फिल्म के अंदर लेकिन ऐसा नहीं किया गया है शनिवार फिल्म का रोमांटिक दृश्य और खूनी दृश्य फिल्म की अपील को व्यापक दर्शकों तक सीमित कर सकता है आगे पीछे की शैली की पदकथा एक अत्याधिक उपयोग कई बार जो भ्रम पैदा करेगा क्योंकि बता दें कि समस्या सीमा का पालन करना मुश्किल हो सकता है जो कि प्रिया भवानी शंकर ने अच्छा काम तो किया है लेकिन उनकी भूमिका में गहराई की बहुत ज़्यादा कमी है इसी के साथ दोस्तों अब बात करें फिल्म की टेक्निकी पहलू के बारे में तो इन दिनों ज़्यादातर फिल्मों में शानदार दृश्य होते ही है और दोस्तों बीमा भी इससे अलग नहीं है क्योंकि स्वामी जे गौडा की स्नेमोटोग्राफी बेहतरीन है और ख़ास तौर पर रात के दृश्यों को उनके लेंस के जरिए अच्छी तरह से दिखाया गया है प्रोडक्शन वैल्यू बेहतरीन है गाने अच्छे हैं लेकिन रवि बसुर का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है इस तरह की मास फिल्मों में अच्छे एक्शन सीन होने चाहिए जरूर निर्देशक ए हर्षा ने इस मास एक्शन ड्रामा में एक फंटासी तत्वों को शामिल किया है जो कि सामूहिक दृश्य और चरमो भाग को बड़े करीने से प्रस्तुत किया गया है उन्होंने गोपी चंद को भी ठीक तरीके से दिखाया है लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्रेम ट्रैक लिखा गया है वह निराशाजनक है ये फिल्म सबसे बड़ी कमी है और ये कुछ हद तक जो प्रभाव को बाधित कर देगी जैसा कि पहले कहा गया था और आगे पीछे की बदका था कई बार भ्रमित करने वाली है इस मूवी की कुल मिलाकर भीमा एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें दोनों हिस्सों में कुछ अच्छे बल है गोपीचंद फिल्म में अति सक्रिय है और उन्होंने एक गहन प्रदर्शन दिया है शुरुआत में शुरुआती अंतराल और यहाँ पे आखिरी आधे घंटों को अच्छी तरह से संभाला गया है लेकिन बाकी हिस्सों को बेहतर निष्पादित भी किया गया है आवश्यकता ये थी कि बोरिंग लव ट्रैक एक ऐसा पहलू है जो कि फिल्म को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर सकता है मुख्य बिंदु को और अधिक हाईलाइट किया जाना चाहिए था और फिल्म की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है और ये अन्य जो है वर्गों की तुलना में बड़े पैमाने पर दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी करता है ये फिल्म तो इस तरह का रिव्यू आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है कहानी भी शानदार रही थी भीमा जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी फिल्म मानी जा रही थी रिलीज होने से पहले लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया यही सबसे बड़ी कमी है इस फिल्म की इसी के साथ दोस्तों जैसे कि फिल्म के बारे में आगे भी कहा गया था कि फिल्म की कहानी दिलचस्प होने वाली थी भीमा की लेकिन कुछ हद तक ये फिल्म थोड़ा सा निराशाजनक साबित हुआ तो बॉक्स ऑफिस पे फिल्म की शुरुआत बेंगलुरु के दिल जैसी रोड इलाके में होती है ये मैकेनिक यानी कि रमन्ना अच्युत कुमार और उसके अनैतिक सहायक जम्बा के मंजा ब्लैक ड्रैगन के मंजू के साथ होती है कहानी शुरू रमन्ना द्वारा गोद लिए गए बच्चे अल्लू गोपाल और पेश पांडे और देश पांडे यहाँ पे फीमा और फिर जो है उनके साथ जो है दुनिया विजय भी, भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आए हैं रोमांटिक ट्रैक संक्षिप्त है लेकिन ऐसा लगता है कि इसे जबरन थोपा गया है फिल्म में और यहाँ पे अनगिनत यौन इस सारे फिल्म को और भी थोड़ा सा नीचे घुमा देता है विजय एक स्थानीय गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं जो पिछले कुछ सालों में उनकी सफलता का नुस्खा बन गया है हालांकि दोस्तों उनका किरदार पहले से ही तय है लेकिन उन्होंने अपने शानदार अभिनय और कुछ तेज तरार लड़ाइयों के साथ इसे कुछ हद तक जो है अच्छी तरह से संभाला है मंजू एक यहाँ पे स्टूडियो ट्राइपिकल जो यहाँ पे सैंडल बूढ़े यानी कि विलन की विलेन तरह काम करती है जो अपने भारी जो है शरकम शरीर की बदौलत जो है डेब्यूटेंट यानी कि कुछ हद तक जो है कामयाब होती हुई नज़र आती है लेकिन वह कठोर दिखता है और उसे और अधिक जो है दिलचस्पी से दिखाया गया है इस कहानी के अंदर तो इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है भीमा जो कि एक अच्छी फिल्म थी और दर्शक इस फिल्म को देखना चाहते थे और दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया फिल्म ने काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सिर्फ पंद्रह करोड़ तक ही कमाई किया है जिससे दोस्तों ये फिल्म एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुई है दर्शकों के लिए और दर्शक और इस फिल्म के जो सुपरस्टार हीरो है गोपी चंद जिन्होंने इस फिल्म से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखेगी रखी थी कि ये फिल्म हिट होगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्देशन की कच्ची शैली और चरण राज के गहन साउंड ट्रैक ने इसे एक शक्तिशाली और भावपूर्ण अनुभव प्रदान दिया है शिवसेना की सेम्टोग्राफी हवाई दिवसों के साथ बिना यानी कि फिल्टर की गई हिंसा और रक्तपात को इतनी स्पष्टता से दर्शाया गया है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे स्क्रीन पर लाल रंग के छीटे पर रहे हो जो कि सीधे आपके चेहरे पर वार कर रहा है वही एम बिजू और उनके राहुल जो है डिटो के आकर्षक कॉनर डहा पे रैप गाने भी तीव्रता को बढ़ावा देता है जबकि मस्ती के दमदार संवाद फिल्म के प्रभाव को और भी ज़्यादा आगे लेकर जाता है इसी के साथ दोस्तों इस कहानी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है साथ ही साथ फिल्म की कहानी काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त और पॉपुलर है जिसे दर्शक काफ़ी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं भीमा फिल्म में एक प्रभावशाली संवाद में किशोर बच्चों की तुलना और उनके अलावा जो है माचिस की तालियों से की गई है जो कि दोस्तों बता दें कि ये रूपक फिल्म के लिए मंच तैयार करता है जो कि एक संघर्षशील पड़ोसी की कठोर परिस्थितियों को समझता है जहां पे युवाओं के बीच अवैध की गतिविधियां उनके सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों को उजागर करती है वही कहानी हमें जो है रमन्ना इनकी अच्युत कुमार से मिलवाती है जिसकी दुनिया जिसकी दुनिया तब जो है तबाह हो जाती है जब उसका बेटा ड्रग तस्करी के निरंतर खतरे के आगे झुक जाता है यहीं पे रमन्ना की छत के नीचे जो है भीमा विजय भी कुमार भी रहते हैं जो कि दोस्तों उनको दिखाया जाता है इस कहानी के अंदर जो इस फिल्म में एक अच्छे अभिनय एक अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे जो उसकी मैकेनिक की दुकान में काम करने वाला एक अनाथ लड़का है बड़ा होकर वह एक उत्साही जो है ड्रग ड्रग में काम करना स्टार्ट कर देता है वह अपने जो है समुदाय से नशे की लत को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है इसी के साथ दोस्तों फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पे मरीज जो आना शहर में कैसे जो है घुसता है इसके व्यापक पहुँच को दर्शाता है क्योंकि ये झुकी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों और युवाओं के शोषण को उजागर करता है जिन्हें दोस्तों ड्रग्स बनाने और फिर वितरित करने के लिए मजबूर किया जाता है कई गहन और खुलासा करने वाले दृश्यों के माध्यम से भीमा इस अवैध व्यापार और समुदायों पर इसके निशा इसके विनाशकारी प्रभाव पर एक बेबाक नज़र डालता है जिसमें अमीर और गरीब शहरी युवाओं दोनों शामिल है जो कि झोपड़ियों के आकर्षक दृश्य और यहाँ स्थानीय गैंगस्टरों का गहन चित्रण और इन व्यक्तित्वों द्वारा जो है सामने की जाने वाली कठोर और वास्तविकताओं को बढ़ावा देती है साथ ही बेंगलुरु के वास्तविक जो है जीवन के किस्से कहानी में प्राणिकताएँ दी गई है प्रिया यहाँ पे शत मौशन ने गिरजा का किरदार फिल्म में निभाया है जो कि एक ऐसी पुलिस अधिकारी है जो अनियंत्रित उपद्र और जो है मादक जो है पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अथक दृढ़ संकल्प के साथ जो है कार्यभार संभालती है उनका किरदार प्रकृति की एक शक्ति है जो कि दोस्तों स्थानीय गुंडों से सीधे जो है भिड़ने वाला एक इंसान है जो कानून को बिना जो कानून को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित है गिरजा का सक्रिय रूप और भीमा और यहाँ पे कुखा ड्रग डीलर ड्रैगन और मंजू दोनों से जो है लड़ने की इच्छा उनके अंदर रहता है इसी के साथ दोस्तों भीमा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापक मुद्दे और विभिन्न सामाजिक वर्गों पर इसके प्रभाव को उजागर करता है तथा सामाजिक और यहाँ पे आवश्यकताएं पर जोर दिया गया है निर्देशक अभिनेता के रूप में विजय कुमार का साहसिक चित्रण समुद्र मुख यहाँ पे अमुखौटों के नीचे रखा गया है अपने सबसे काले मुद्दों को छुपाने वाले शहर का एक ताज़ा आँख खोलने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है फिल्म यहाँ पे ड्रैगन मंजू और भीमा के बीच एक नाट किया बदला संघर्ष में समाप्त हो जाती है जिसमें भीमा को विजेता और हराने वाले दोनों के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है भीमा में ऐसे गंभीर और विचलित करने वाले दृश्य है जिन्हें देखना मुश्किल हो जाता है नशीले दबाव की यहाँ पे खतपत और क्रू हिंसा का चित्रण साधे यहाँ पे अभद्र भाषा और इसकी ए रेटिंग को भी सही तरीके से दिखाया गया है ये निम्न और माध्यम वर्ग के जीवन की कठोर वास्तविकताओं और अपराध और नशे के चक्र को दिखाने से नहीं हटता है संवादों में अश्लीलता और आदान प्रदान की विशेषताएं हैं और फिल्म में लैंगिक यानी के पूर्वाग्रह और अत्याधिक जो पात को दर्शाया गया है इसके आगे दोस्तों बता दें हालांकि फिल्म में कुछ खामियां हैं हालांकि भीमा एक यथार्थवादी चित्रण और जान और जानकारी पूर्ण सामग्री प्रदान तो करती है लेकिन ये कथात्मक और गहराई और समस्याओं में थोड़ा सा कमज़ोर है इसकी कथा कभी कभी उलझी हुई लगती है जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लापरवाह बाइक यानी कि व्हीलिंग और दीशर जो कि दुखद घटना को दिखाता है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया है बीमा फिल्म को अगर आप लोग को बीमा फिल्म की रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू सन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक मूवी फैक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भीमा तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भीमा फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2024 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया है और ये फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग भीवा फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से तार में बात कर लेते हैं भीमा फ़िल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की काल्पनिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे ए हर्ष सर ने लिखा है जिसे ए हर्ष सर द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म में गोपी चंद ने दोहरी भूमिका निभाई है उनके साथ फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा ने अभिनय किया है अब इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो ए हर्षा सर द्वारा फिल्म को डायरेक्शन दिया गया है और पदकथा भी ए हर्षा द्वारा ही लिखा गया है फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म को श्री सत्या साई आर्ट द्वारा फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 8 मार्च 2024 को फिल्म को रिलीज किया गया था तेलुगु भाषा में वहीं दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई है इसी साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को आठ मार्च दो को बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज किया गया था और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस करेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ ये फिल्म एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप मूवी साबित हुआ है वहीं दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस फिल्म की कहानी एस आई भीमा को कर्नाटक के महेंद्र गिरी नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है शुरुआत में जहाँ पे गंगे स्ट्रो का नियंत्रण है भीमा की मुलाकात विद्या से फिल्म में होती है जो एक स्कूल शिक्षिका है और आयुर्वेदिक चिकित्सक रवि वर्मा की अनुयायी है एक रात भीमा को छोटे बच्चों के अवैध परिवहन में लगे एक टैंकर का पता चलता है फिल्म में जहां पर उसे पता चलता है कि रविंद्र वर्मा संजीवनी का आविष्कार करने के लिए अवैध प्रयोग कर रहा है जो एक हर्षल पौधा है जो कि एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकता है भीमा यहां पे रविंद्र वर्मा के ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे रविंद्र वर्मा विद्या और फिर बच्चों को यहाँ पे बंधक बना लेता है रविंदर वर्मा मौके का फ़ायदा उठाता है और भीमा विद्या और फिर बच्चों को मार देता है भीमा का जुड़वा भाई रामा जो कि एक मंदिर का पुजारी बन चुका है वो भीमा की मौत के बारे में सब कुछ जान जाता है फिल्म के अंदर तो इस फिल्म की कहानी इससे भी आधारित है वहीं इस फिल्म के विकास के बारे में हम बात कर ले तो भीमा की आधिकारित घोषणा बारह जून दो को गोपी चंद के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्रियों के रूप में घोषित किया गया था इस फिल्म की संगीत के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर रवि बसरूर द्वारा तैयार किया गया है और पहला एकल ये येद्धो माया 9 फरवरी 2009 फरवरी को 2023 में ही रिलीज कर दिया गया था और दूसरा एक कल गालिश सिदूरू इक्कीस फरवरी को रिलीज किया गया था और इसके बाद सेवन मार्च को फिल्म का तीसरा एक कल रेच और भीमा रिलीज किया गया था और सभी संगीत को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के बारे में साथ ही साथ दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी है क्या ये फ़िल्म हिट होना चाहिए या फिर फ्लॉप होना चाहिए इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे अगर आप लोगों ने भीवा फ़िल्म को अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों इस विर्म, इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं तो अगर आप लोग भीवा फ़िल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसी साथ दोस्तों सलागा के बाद विजय कुमार द्वारा निर्देशित की गई भीमा बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए लिखी गई है और उन्होंने शुरू से ही इस बार में स्पष्ट किया है कि ये फिल्म उनके और उनके प्रशंसकों के लिए उनके द्वारा लिखी गई है इसलिए कोई भी प्रशंसक सेवा की बहुत उम्मीद कर सकता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास किया गया है कि एक व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म के सभी बॉक्स टेक किए जाए वही दोस्तों पहला भाग एक दिलचस्प दृष्टिकोण और बहुत सारे संबंधित चुटकुलों के साथ अच्छी तरह से शुरू होता है हालांकि दूसरे भाग में किसी भी तरह के प्रयोग के लिए कोई भी जगह नहीं होने के कारण एक सूत्रबद्ध दृष्टिकोण के कारण लड़ जाता है कहानी वहीं आपको बता दें ये कहानी कागज पर आपको देखने में अच्छी लगेगी यहाँ पे एक यंगेस्टर को जो एक मैकेनिक की दुकान चलाते हुए दिखाया जाता है वो अपने प्रतिद्वंदियों के कारण हुए व्यक्तिगत नुकसान के नुकसान के बाद उत्पात मचाता है अपने इलाके के युवाओं के नशों की लत में पड़ने से परेशान भीमा विजय कुमार यानी कि एक गैंगस्टर है जो कि एक मैकेनिक की दुकान चला रहे हैं जहाँ पे ड्रग्स के खिलाफ यूथ छेड़ते हैं भीमा खलायको ड्रैगन मंजू और फिर शांति कंकरोच सोदी को सबक सिखाने का बड़ा सबक सिखाने का बेरा उठाते हैं और और वहीं पे सलागे के बाद विजय कुमार द्वारा निर्देशित की गई है भीमा बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए लिखी गई फिल्म है और वो शुरू से ही इसके बारे में स्पष्ट रहे हैं कि फिल्म उनके और उनके प्रशंसकों के लिए उनके द्वारा लिखी गई है इसलिए कोई भी प्रशंसक सेवा क्यों उम्मीद कर सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास करता है कि वह एक व्यावसायिक मनोरंजन के सभी बॉक्स को टिक किए जाए जो कि पहला भाग एक दिलचस्प दृष्टिकोण और बहुत सारे भरोसेमंद चुटपुरुष के साथ शुरू होता है इसी सा के साथ दोस्तों गिरिजा के रूप में प्रिया यानी कि सतमर्षा उनके अद्भुत है और वह दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत से काम करती है वह संवादों को शानदार ढंग से बोलती भी है जिससे वह इस फिल्म की असली हीरो बन जाती है उनकी भूमिका हालांकि अच्छे तरह से लिखी गई थी लेकिन अधिक स्क्रीन स्पेस की हकदार थी क्योंकि भीमा एक कमर्शियल स्टार पावर वाली फिल्म है जहाँ पे गिरजा कि अच्छी तरह से शुरू होती है और फिल्म में अन्य पात्रों में से एक बन जाती है इसी के साथ दोस्तों उसके चरित्र पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करने से फिल्म की फिल्म की दिशा बदल सकती थी जो कि दोस्तों रंगियान रघु कल्याण राजू अच्युत कुमार अश्विनी अम्बरीश ड्रॉक्स के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए भीमा के संघर्ष में उनकी सहायता करते हुए नजर आते हैं ड्रैगन मंजू उनके अलावा कॉकरोच सूधी रघु के साथ मिलकर शिव मोगो के साथ बुरे लड़कों की भूमिका निभाती है विजय ने बेंगलुरु की गलियों से बहुत सारी स्थानीय पार पर्ट, प्रतिभाव का उपयोग किया है फिल्में जो कि एक स्वागत योग्य है अगर कोई एक यहाँ पे उद्योग है जो कि यहाँ पे अंदर वर्ल्ड यानी कि कहानियों की श्रेणी में फिल्मों का निर्माण कर रहा है तो वह एक यहाँ पे के एफ आई है जो कि उन्नीस में आया था उन्नीस ओम से लेकर न्यूनतम भी न्यूनतम भीमा तक ये फिल्में अलग अलग थीम के साथ समान कहानियों को लेकर आती रही है भीमा ने इस बुनियादी का ईमानदारी से इस्तेमाल किया है और शहर के युवाओं की कहानी उनके नशे की लत और फिर सप्लाई के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाया है जो कि अपराध युग की सेवा करने और उन्हें बचाने वाले राजनीतियों को बया किया है वही दोस्तों स्टार यानी कि वहीकल ट्रीटमेंट के साथ फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण फिल्म को और भी बेहतर बना सकता है लेकिन आपको बताते चले इसके अलावा भीमा ने प्रशंसकों की खूब सेवा की है और दर्शकों और प्रशंसकों के एक वर्ग को बहुत कुछ दिया है इससे वह खुश हो सके और सिनेमाघरों में जाने का कारण बन सके संपादन बेहतर हो सकता था और भी ज़्यादा लेकिन विजय ने अपने निर्देशन में एक ऐसी फिल्म बनाई है जो फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके आसानी से चलती हुई नजर आती है फिल्म का संवाद और चुटकुले अच्छे हैं लेकिन वह दर्शकों के लिए एक वर्ग को ही आकर्षित करता है इसी के साथ युवाओं के एक वर्ग के लिए, लिए लिखी गई ये फिल्म उनकी सभी जो है जरूरतों को पूरा करती है भीमा की सबसे बड़ी ताकत चरण राज का यहाँ पे संगीत है जो पहले आधे घंटे में तीन बैक टू बैक यहाँ पे रैप गाने लगाए गए हैं म्यूजिकल के बारे में हम बात करें तो म्यूजिकल फिल्म की तरह ही लगता है हालांकि फिल्म यहाँ पे विशेष रूप से रैप संगीत का जश्न नहीं मनाती है लेकिन एम सी और राहुल डिटो ने सुनिश्चित किया है कि पूरा एल्बम उनकी पेशकश की हर चीज़ों को शामिल करती है शामिल करने का बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लाइमेक्स सीन के दौरान चरम पर होता है लेकिन आपको बता दें लोक गीतों और पारंपरिक गीतों का मिश्रण एक अनूठी भावनाओं को जगाता भी है जिसे पूरी फिल्म में जिसे पूरी फिल्म में दिखाया गया है हालांकि यहाँ पे टुकड़ों में साथ ही प्रशंसकों और क्लाइमेक्स में दुनिया विजय सिनेमेटिक यूनिवर्स यु, यु, की ट्विस्ट के लिए तैयार किया गया है भीमा दुनिया विजय की बेंगलुरु के अंदर वैली और फिल्मों की एक शैली के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में ये फिल्म काम करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है तो भीमा फिल्म की जो कहानी है ये दर्शकों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है गोपी चंद ने फिल्म में शानदार ने किया अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया फिर भी इनकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा काम की नहीं हुई है फिल्म की कहानी कागज़ पर देखने में अच्छा लगता है लेकिन सिनेमाघरों में उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था इस फिल्म को लेकिन आइए दोस्तों बात कर लेते फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में और फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में दोस्तों आपको पता है मैं जब रिव्यू करता हूँ तो पूरी फिल्म को एनालिसिस ज़रूर करता हूँ इस फिल्म की कहानी जो कि मैंने आप लोग को बता ही दिया है प्लस पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो हाल के दिनों में इस भीमा को गोपी चंद द्वारा निभाया गया सबसे बड़ा किरदार माना जा सकता है निर्देशक ने फिल्म को एक अलग अनुभव देने के लिए भीमा की भूमिका में कुछ विशेषताएं जोड़ी है और गोपी चंद ने आशाधारक रूप से चंचल पुलिस वाले की भूमिका निभाई है वही अभिनेता हाल ही में काफी इतने ऊर्जावान नहीं दिखे और उनका दमदार उनका मर्दाना रूप और मर्दाना अवतार लोगों को दीवाना बना देगा उनकी भूमिका का एक और आयाम यह है कि यह गोपी चंद ने इसमें भी अच्छी विविधता दिखाई है फिल्म की शुरुआत एक दिलचस्प नोट पर शुरू होती है जिसमें जिसमें दिखाया जाता है कि परशुरामनी क्षेत्रम की यहाँ पे उत्पेदों के बारे में बताने वाला वॉइस ओवर होता है और ये शुरुआती दृश्य है जो कि लगभग पंद्रह मिनट तक चलता रहता है वही दोस्तों हमारा ध्यान आकर्षित करेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरवल एपिसोड दाव बढ़ाता चला जाता है और हमें दूसरे भाग का से इंतजार करवाता है प्री क्लाइमेक्स के दौरान मालविका शर्मा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और अभिनेत्री ने यह अच्छा प्रदर्शन भी किया है दोस्तों बता दें नरेश मुकेश तिवारी उनके अलावा रघु बाबू और यहाँ पे छमक चंद्रा अपनी भूमिकाओं में काफ़ी शानदार दिखे हैं इस फिल्म के अंदर फिल्म आखिरी आधे घंटे में अपने चरम पर पहुंच जाती है यहां भावनाओं को दमदार संवादों के साथ अहम मोर और यहां पे वीरता के दृश्यों को बड़े करीने से पेश किया गया है और इसी वजह से ये गहन और फिर टकराव बहुत बढ़िया लगता है देखने में लेकिन किशोर और रोहिणी से जुड़े कुछ कॉमेडी पल अच्छे से भर सकते हैं फिल्म में जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस शानदार तरीके से बनाए गए हैं रवि बसरूर का प्रभावशाली बैकग्राउंड स्कोर हाई वोल्टेज रेंगते हुए खर यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाला दिवसों को अगले स्तर तक लेकर जा सकता है इसी के साथ अब बात करें फिल्म की माइनस अंक के बारे में तो दोस्तों बता दें कि अच्छे परीक्षात्मक एपिसोड के बाद जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है धीरे धीरे अपनी पकड़ को खोती हुई जाती है प्रेम ट्रैक शुरू होने के बाद फिल्म एक बाद पर पहुंच जाती है और यह समझ में आता है कि निर्माता ने फिल्म को बड़े पैमाने पर दर्शकों को ध्यान में रखते हुए बनाया है लेकिन जिस तरह से पूरे प्रेम वाले हिस्सों को डिजाइन किया गया है वह अश्लील है और दर्शकों के कुछ वर्गों के लिए असहज होगा पहला भाग पूरी तरह से बीमा के चरित्र चित्रण के लिए समर्पित है लेकिन समस्या ये है कि प्रेम प्रसंग के कारण स्क्रीन पर बहुत अधिक समय व्यतीत बिताया जाता है फिल्म में मुख्य बिंदु को बेहतर तरीके से उजागर किया जा सकता था इसे आधे रास्ते में ही लाया गया है क्योंकि यहाँ दूसरे मुख्य किरदार जिस पर पूरा दूसरा भाग आधारित है उनको अधिक स्थान दिया जाना चाहिए था इस फिल्म के अंदर लेकिन ऐसा नहीं किया गया है शनवाद फिल्म का रोमांटिक दृश्य और खूनी दृश्य फिल्म की अपील को व्यापक दर्शकों तक सीमित कर सकता है आगे पीछे की शैली की पदकथा एक अत्याधिक उपयोग कई बार जो भ्रम पैदा करेगा क्योंकि बता दें कि समस्या सीमा का पालन करना मुश्किल हो सकता है जो कि प्रिया भवानी शंकर ने अच्छा काम तो किया है लेकिन उनकी भूमिका में गहराई की बहुत ज़्यादा कमी है इसी के साथ दोस्तों अब बात करें फिल्म की टेक्निकी पहलू के बारे में तो इन दिनों ज़्यादातर फिल्मों में शानदार दृश्य होते ही है और दोस्तों बीमा भी इससे अलग नहीं है क्योंकि स्वामी जे गौडा की स्नेमाटोग्राफी बेहतरीन है और ख़ास तौर पर रात के दृश्यों को उनके लेंस के जरिए अच्छी तरह से दिखाया गया है प्रोडक्शन वैल्यू बेहतरीन है गाने अच्छे हैं लेकिन रवि बसुर का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है इस तरह की मास फिल्मों में अच्छे एक्शन सीन होने चाहिए जरूर निर्देशक ए हर्षा ने इस मास एक्शन ड्रामा में एक फंटासी तत्वों को शामिल किया है जो कि सामूहिक दृश्य और चरमोत्स भाग को बड़े करीने से प्रस्तुत किया गया है उन्होंने गोपी चंद को भी ठीक तरीके से दिखाया है लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्रेम ट्रैक लिखा गया है वह निराशाजनक है ये फिल्म सबसे बड़ी कमी है और ये कुछ हद तक जो है प्रभाव को बाधित कर देगी जैसा कि पहले कहा गया था और आगे पीछे की बदखाथा कई बार भ्रमित करने वाली है इस मूवी की कुल मिलाकर भीमा एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें दोनों हिस्सों में कुछ अच्छे पल हैं। गोपी चंद फिल्म में अति सक्रिय है और उन्होंने एक गहन प्रदर्शन दिया है शुरुआत में शुरुआती अंतराल और यहाँ पे आखिरी आधे घंटों को अच्छी तरह से संभाला गया है लेकिन बाकी हिस्सों को बेहतर निष्पादित भी किया गया है आवश्यकता ये थी कि बोरिंग लॉ ट्रैक एक ऐसा पहलू है जो कि फिल्म को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर सकता है मुख्य बिंदु को और अधिक हाईलाइट किया जाना चाहिए था और फिल्म की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है और ये अन्य जो है वर्गों की तुलना में बड़े पैमाने पर दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी करता है ये फिल्म तो इस तरह का रिव्यू आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है कहानी भी शानदार रही थी भीमा जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी फिल्म मानी जा रही थी रिलीज होने से पहले लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया यही सबसे बड़ी कमी है इस फिल्म की इसी के साथ दोस्तों जैसे कि फिल्म के बारे में आगे भी कहा गया था कि फिल्म की कहानी दिलचस्प होने वाली थी भीमा की लेकिन कुछ हद तक ये फिल्म थोड़ा सा निराशाजनक साबित हुआ तो बॉक्स ऑफिस पे फिल्म की शुरुआत बेंगलुरु के दिल जैसी रोड इलाके में होती है ये मैकेनिक यानी कि रमन्ना अच्युत कुमार और उसके अनैतिक सहायक जम्बा के मंजा ब्लैक ड्रैगन के मंजू के साथ होती है कहानी शुरू रमन्ना द्वारा गोद लिए गए बच्चे हैं अल्लू गोपाल और पेश पांडे और देश पांडे यहाँ पे फीमा और फिर जो है उनके साथ जो है दुनिया विजय भी, भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आए हैं रोमांटिक ट्रैक संक्षिप्त है लेकिन ऐसा लगता है कि इसे जबरन थोपा गया है फिल्म में और यहाँ पे अनगिनत यौन इस सारे फिल्म को और भी थोड़ा सा नीचे घुमा देता है विजय एक स्थानीय गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं जो पिछले कुछ सालों में उनकी सफलता का नुस्खा बन गया है हालांकि दोस्तों उनका किरदार पहले से ही तय है लेकिन उन्होंने अपने शानदार अभिनय और कुछ तेज तरार लड़ाइयों के साथ इसे कुछ हद तक जो है अच्छी तरह से संभाला है मंजू एक यहाँ पे स्टोरियो ट्राइपिकल जो यहाँ पे सैंडल बूढ़े यानी कि विलन की विलेन तरह काम करती है जो अपने भारी जो है शरकम शरीर की बदौलत जो है डेब्यूटेंट यानी कि कुछ हद तक जो है कामयाब होती हुई नज़र आती है लेकिन वह कठोर दिखता है और उसे और अधिक जो है दिलचस्पी से दिखाया गया है इस कहानी के अंदर तो इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है भीमा जो कि एक अच्छी फिल्म थी और दर्शक इस फिल्म को देखना चाहते थे और दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया फिल्म ने काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सिर्फ पंद्रह करोड़ तक ही कमाई किया है जिससे दोस्तों ये फिल्म एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुई है दर्शकों के लिए और दर्शक और इस फिल्म के जो सुपरस्टार हीरो है गोपी चंद जिन्होंने इस फिल्म से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखेगी रखी थी कि ये फिल्म हिट होगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्देशन की कच्ची शैली और चरण राज के गहन साउंड ट्रैक ने इसे एक शक्तिशाली और भावपूर्ण अनुभव प्रदान दिया है शिवसेना की सेमटोग्राफी हवाई दिवसों के साथ बिना यानी कि फिल्टर की गई हिंसा और रक्तपात को इतनी स्पष्टता से दर्शाया गया है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे स्क्रीन पर लाल रंग के छीटे पर रहे हो जो कि सीधे आपके चेहरे पर वार कर रहा है वही एम सी बिजू और उनके राहुल जो है डिटो के आकर्षक कॉर्नवर्ड यहाँ पे रैप गाने भी तीव्रता को बढ़ावा देता है जबकि मस्ती के दमदार संवाद फिल्म के प्रभाव को और भी ज़्यादा आगे लेकर जाता है इसी के साथ दोस्तों इस कहानी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है साथ ही साथ फिल्म की कहानी काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त और पॉपुलर है जिसे दर्शक काफ़ी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं भीमा फिल्म में एक प्रभावशाली संवाद में किशोर बच्चों की तुलना और उनके अलावा जो है माचिस की तालियों से की गई है जो कि दोस्तों बता दें कि ये रूपक फिल्म के लिए मंच तैयार करता है जो कि एक संघर्षशील पड़ोसी की कठोर परिस्थितियों को समझता है जहां पे युवाओं के बीच अवैध की गतिविधियां उनके सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों को उजागर करती है वही कहानी हमें जो है रमन्ना इनकी अच्युत कुमार से मिलवाती है जिसकी दुनिया जिसकी दुनिया तब जो है तबाह हो जाती है जब उसका बेटा ड्रग तस्करी के निरंतर खतरे के आगे झुक जाता है यहीं पे रमन्ना की छत के नीचे जो है भीमा विजय कुमार भी रहते हैं जो कि दोस्तों उनको दिखाया जाता है इस कहानी के अंदर जो इस फिल्म में एक अच्छे अभिनय एक अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे जो उसकी मैकेनिक की दुकान में काम करने वाला एक अनाथ लड़का है बड़ा होकर वह एक उत्साही जो है ड्रग और ड्रग में काम करना स्टार्ट कर देता है वह अपने जो है समुदाय से नशे की लत को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है इसी के साथ दोस्तों फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पे मरीज जो आना शहर में कैसे जो है घुसता है इसके व्यापक पहुँच को दर्शाता है क्योंकि ये झुंकी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों और युवाओं के शोषण को उजागर करता है जिन्हें दोस्तों ड्रग्स बनाने और फ्यूज वितरित करने के लिए मजबूर किया जाता है कई गहन और खुलासा करने वाले दृश्यों के माध्यम से भीमा इस अवैध व्यापार और समुदायों पर इसके निशा इसके विनाशकारी प्रभाव पर एक बेबाक नज़र डालता है जिसमें अमीर और गरीब शहरी युवाओं दोनों शामिल है जो कि झोपड़ियों के आकर्षक दृश्य और यहाँ स्थानीय गंगेस्टों का गहन चित्रण और इन व्यक्तित्व द्वारा जो है सामने की जाने वाली कठोर और वास्तविकताओं को बढ़ावा देती है साथ ही बेंगलुरु के वास्तविक जो है जीवन के किस्से कहानी में प्राणिकताएं दी गई है क्रिया यहाँ पे शत मौन ने गिरजा का किरदार फिल्म में निभाया है जो कि एक ऐसी पुलिस अधिकारी है जो अनियंत्रित उपद्र और जो है मादक जो है पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अथक दृढ़ संकल्प के साथ जो है कार्यभार संभालती है उनका किरदार प्रकृति की एक शक्ति है जो कि दोस्तों स्थानीय गुंडों से सीधे जो है भिड़ने वाला एक इंसान है जो कानून को बिना जो कानून को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित है गिरजा का सक्रिय रुख और भीमा और यहाँ पे कु्रक डीलर ड्रैगन और मंजू दोनों से जो है लड़ने की इच्छा उनके अंदर रहता है इसी के साथ दोस्तों भीमा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापक मुद्दे और विभिन्न सामाजिक वर्गों पर इसके प्रभाव को उजागर करता है तथा सामाजिक और यहाँ पे आवश्यकताएं पर जोर दिया गया है निर्देशक अभिनेता के रूप में विजय कुमार का साहसिक चित्रण समुद्र मुख यहाँ पे अमुखौटो के नीचे रखा गया है अपने सबसे काले मुद्दों को छुपाने वाले शहर का एक ताजा आँख खोलने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है फिल्म यहाँ पे ड्रैगन मंजू और भीमा के बीच एक नाट किया बदला संघर्ष में समाप्त हो जाती है जिसमें भीमा को विजेता और हराने वाले दोनों के रूप में इस श्रम के अंदर दिखाया जाता है भीमा में ऐसे गंभीर और बीचलित करने वाले दृश्य है जिन्हें देखना मुश्किल हो जाता है नशीले दबाव की यहाँ पे खतपत और क्रू हिंसा का चित्रण साधे यहाँ पे अभद्र भाषा और इसकी ए रेटिंग को भी सही तरीके से दिखाया गया है ये निम्न और माध्यम वर्ग के जीवन की कठोर वास्तविकताओं और अपराध और नशे के चक्र को दिखाने से नहीं हटता है संवादों में अश्लीलता और आदान प्रदान की विशेषताएं हैं और फिल्म में लैंगिक यानी के पूर्वाग्रह और अत्याधिक जो रक्तपात को दर्शाया गया है इसके आगे दोस्तों बता दें हालांकि फिल्म में कुछ खामियां हैं हालांकि भीमा एक यथार्थवादी चित्रण और जान और जानकारी पूर्ण सामग्री प्रदान तो करती है लेकिन ये कथात्मक और गहराई और समस्याओं में थोड़ा सा कमजोर है इसकी कथा कभी कभी उलझी हुई लगती है जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लापरवाह बाइक यानी कि व्हीलिंग और जो कि दुखद घटना को दिखाता है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया है बीमा फिल्म को अगर आप लोग को बीमा फिल्म की रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टेल एंड सी सीओसन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मई यूटूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक मूवी फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भीमा तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भीमा फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2024 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया है और ये फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग भीवा फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं भीमा फ़िल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की काल्पनिक एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसे ए हर्ष सर ने लिखा है जिसे ए हर्ष सर द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म में गोपी चंद ने दोहरी भूमिका निभाई है उनके साथ फिल्म में प्रिय भवानी शंकर और मालविका शर्मा ने अभिनय किया है अब इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो ए हर्षा सर द्वारा फिल्म को डायरेक्शन दिया गया है और पदकथा भी ए हर्षा द्वारा ही लिखा गया है फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म को श्री सत्य साई आर्ट द्वारा फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 8 मार्च 2024 को फिल्म को रिलीज किया गया था तेलुगु भाषा में वही दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई है इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को आठ मार्च दो को बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज किया गया था और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस करेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ ये फिल्म एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप मूवी साबित हुआ है वहीं दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस फिल्म की कहानी एस आई भीमा को कर्नाटक के महेंद्र गिरी नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है शुरुआत में जहाँ पे गंगेश रो का नियंत्रण है भीमा की मुलाकात विद्या से फिल्में होती है जो एक स्कूल शिक्षिका है और आयुर्वेदिक चिकित्सक रवि वर्मा की अनुयायी है एक रात भीमा को छोटे बच्चों के अवैध परिवहन में लगे एक टैंकर का पता चलता है फिल्म में जहां पर उसे पता चलता है कि रविंद्र वर्मा संजीवनी का आविष्कार करने के लिए अवैध प्रयोग कर रहा है जो एक हर्षल पौधा है जो कि एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकता है भीमा यहां पे रविंद्र वर्मा के ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे रविंद्र वर्मा विद्या और फिर बच्चों को यहाँ पे बंधक बना लेता है रविंदर वर्मा मौके का फ़ायदा उठाता है और भीमा विद्या और फिर बच्चों को मार देता है भीमा का जुड़वा भाई रामा जो कि एक मंदिर का पुजारी बन चुका है वो भीमा की मौत के बारे में सब कुछ जान जाता है फिल्म के अंदर तो इस फिल्म की कहानी इससे भी आधारित है वहीं इस फिल्म के विकास के बारे में हम बात कर ले तो भीमा की आधिकारिक घोषणा बारह जून दो को गोपी चंद के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी दस अगस्त दो को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्रियों के रूप में घोषित किया गया था इस फिल्म की संगीत के बारे में हम बात करें तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर रवि बसरूर द्वारा तैयार किया गया है और पहला एकल ये येदो ये दो माया नौ फरवरी दो नौ फरवरी को 2023 में रिलीज कर दिया गया था और दूसरा एक कल गालिश सिदुरु इक्कीस फरवरी को रिलीज किया गया था और इसके बाद सेवन मार्च को फिल्म का तीसरा एक कल रेच ऑफ भीमा रिलीज किया गया था और सभी संगीत को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के बारे में साथ ही साथ दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी है क्या ये फ़िल्म हिट होना चाहिए या फिर फ्लॉप होना चाहिए इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे अगर आप लोगों ने भीवा फ़िल्म को अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों इस इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं तो अगर आप लोग भीवा फ़िल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा